भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, पापियों को ताप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, ओ पापियों को पाप से, पापियों को ताप से, पापियों को पाप से, पापियों को ताप से, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, अमर ग्रंथि मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हर नाम यही हर जाने, हर नाम यही हर धाम यही, जग के मंगल की आरती, पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पाप से है तारती, ये शांति गीत ये मधुर बोल, जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल, जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से, पापियों को ताप से, पापियों को पाप से, पापियों को ताप से, भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, हरि ओं जलिन शीतलीकरण आरार्तिक्यम दर्शयामि, हस्ते चतुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पैः देवाधिवंदनम्, हरि ओं जगिनि जगिमे जयन्ति देवास्तान धर्माणि प्रथमान्या शन्नाति हनाकं महिमानः, सचत्र यत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः, हरि ओं नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तु गृहाण परमेश्वरः, सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमः, मत पुष्पाजलि समर्पयामि, बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो, आइए हम आप सभी चलते हैं परम पूज्य व्यास जी के पावन सानिध्य में, जिनकी अमृतमयी वाणी के द्वारा बड़ी ही सुंदर बड़ी ही दिव्य आज सुदामा जी के चरित्र के साथ ही अनेकानेक कथाओं का और परिचित मोक्ष की कथा का हम आप सभी श्रवण करेंगे, जय श्री राधे श्याम, जय अयोध्या धाम, जय वृंदावन धाम, बोलिए व्यास जी महाराज की।
श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। धेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम ग्रगेण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। गौरांगं रश्मयं नित्यं करुणाकरं मुनिवरं श्रीचतुर्भुजाचार्य देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राम। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ के अंतर्गत गोलोकवासी श्री शिववरदान तिवारी जी की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी एवं सुपुत्र महेश कुमार तिवारी एवं अग्रज श्री शिव वरदान तिवारी जी उनके सन्निधि में उनके वरद हस्त छाया के तले समस्त परिवार एकीभूत होकर इस दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। समस्त भगवत भक्त के हृदयस्थ विद्यमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए हम सभी लोग आज विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करें। आज विश्राम दिवस ही है ना, देखते देखते बीत गया पता ही नहीं चला। जैसे लग रहा है आज प्रथम दिवस की कथा में हम लोग बैठे हैं। फिलहाल विश्राम दिवस की कथा में, लेकिन जो जिनको मेहनत करनी पड़ रही उनको पता होगा कितने दिन बीत गए। वो हम समझ गए भावना, जिनको कार्य करना पड़ता है दौड़ दौड़ करके, अरे पानी लाओ और तमाम सबके लिए व्यवस्थाएं करने, उनको पता है कितने दिन बीत रहे हैं। तो आइए हम सभी लोग आज विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान के मंगलमय नामों का गान और स्मरण करें। सभी लोग मेरे साथ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे राधे।
गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो नहीं नाम होकर मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण।
हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे श्री ग्राम में राधे राधे बांक बिहारी राधे राधे निधवन में है राधे राधे मधुबन में है राधे राधे बराह घाट में राधे राधे यमुना तीरे राधे राधे निधवन में है राधे 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 जय श्री राधे जय श्री श्याम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री राधे परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञानी के अंतर्गत समुपस्थित समस्त श्रोता वृंद भक्त समुदाय एवं YouTube कथायुग मंथन चैनल के नाम से के आश्रय से श्रवण कर रहे समस्त भगवत भक्तों के हृदयस्थ विद्यमान परमात्मा को बारंबार प्रणाम करते हुए आइए हम सभी लोग लोक पावनी कथा में प्रवेश करें। प्रेम से बोलिए राधे रानी सरकार की हो। जैसा कि कल की कथा में आप सभी लोगों ने सुना कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण का मां रुक्मणी से विधिवत विवाह सुसंपन्न हुआ, आप सभी लोगों ने आनंद उत्सव भी मनाया। भगवान कृष्ण का विवाह लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी से हुआ। लक्ष्मी जी साक्षात रुक्मिणी जी के स्वरूप में ही उत्पन्न हुई और यह प्रसंग यह कथा शिक्षा दिला रही है। रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं, लेकिन शिशुपाल रुक्मिणी जी से विवाह करना चाहता है। तात्पर्य यह है, शिशुपाल है जीव,
और रुक्मिणी हैं साक्षात भगवती लक्ष्मी। तो जीव माता से या ईश्वर से एक ही संबंध, दो संबंध, तीन संबंध जोड़ सकता है, कौन कौन से? एक पहला संबंध है लक्ष्मी जी को आप माता का संबंध जोड़ करके उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। दूसरा संबंध लक्ष्मी जी को आप बहन भी मान सकते हैं। तीसरा संबंध लक्ष्मी जी को पुत्री भी मान सकते हैं। लेकिन जिस दिन लक्ष्मी जी को पत्नी मानने की भूल जो भी करेगा उसे शिशुपाल की तरह वापस लौटना पड़ेगा। यानी जो लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करते हैं उन्हें शिशुपाल की तरह जिस डोली में विवाह के लिए आया उसी में रोता हुआ चला गया, वैसा ही हाल होता है। लक्ष्मी केवल भगवान नारायण की हैं और भगवान नारायण केवल लक्ष्मी जी के हैं। पति और पत्नी रूप के बंधन में शिशुपाल को ज्ञात हुआ कि द्वारिकाधीश रुक्मिणी का हरण करके चले गए द्वारिका। बहुत रोया बेचारा। जरासंध ने खूब ढांढस बंधाया कि मैं तो एक बार नहीं 17 बार पराजित हुआ फिर भी लड़ता रहा, तुम्हारा तो पहला, तुम्हारी पहली पराजय है, अभी और प्रयास करो। हारा हुआ व्यक्ति भी कभी हारे हुए व्यक्ति का सहारा बन जाता है। जरासंध भगवान से एक बार नहीं 17 बार पराजित हुआ, 18वीं बार भगवान छोड़ करके रण को गए थे। तो हारा हुआ शिशुपाल, हारा हुआ जरासंध आज शिशुपाल को ढांढस बंधा रहा है कि मित्र ये तो तुम्हारी पहली पराजय है, मैं न जाने कितने पराजयों को झेल करके बैठा हूं, फिर भी देखो सीना तान करके सभा में बैठा हूं। कुछ लोग ऐसे होते भी हैं बहुत बार हारे हुए होंगे फिर भी उनको कोई लाज शर्म नहीं होती, उसी कैटेगरी का सिर्फ जरासंध भी है। दोनों में आपस में चर्चा हुई, वापस गए दोनों, पूरी सेना के सहित अपने अपने राज्य को वापस हो गए। और इधर भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी से विधिवत विवाह करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि यह भगवान का प्रथम विवाह है परीक्षित, और इस प्रथम विवाह के संयोग से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय स्तमेव प्रत्यपद्यते। प्रथम पुत्र हुआ रुक्मिणी जी और भगवान कृष्ण के संयोग से, जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी जन्मे और एक बहुत बड़ा मायावी संबरासुर नाम का दैत्य आया, प्रसूतिका भवन से ही प्रद्युम्न जी का हरण करके ले गए, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है कि तुम्हें यदि कोई मार सकता है तो वह कृष्ण तनय ही मार सकता है, दूसरा कोई नहीं। और संबरासुर को ज्ञात हुआ कि भगवान कृष्ण के माध्यम से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ है, क्यों ना उसे जन्मते ही मार दिया जाए। सोचिए कि द्वारिका में कितनी तगड़ी पहरेदारी है, फिर भी संबरासुर प्रसूतिका भवन में प्रवेश करके हरण करके ले गया है, इतना बड़ा मायावी है। हरण करके ले जा रहा है समुद्र के ऊपर से ही विमान पर, उसने सोचा क्यों लेकर के महल चलें, इसी समुद्र में फेंक देते हैं मर जाएगा। लेकिन जाको राखे साइया मार सके नहीं को। जिसको परमात्मा सुरक्षित रखना चाहे उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। प्रद्युम्न जी को संबरासुर ने विमान से छोड़ा कि इसी समुद्र में डूब जाएगा मर जाएगा, लेकिन एक मच्छ श्वास ले रहा है, एक मछली, एक मच्छ, मच्छ श्वास लेकर के बहुत मस्ती में है समुद्र में, और सीधा प्रद्युम्न जी उसी के मुख में गिरे, पेट में चले गए बिल्कुल जीवित।
संबरासुर ने सोचा कि मेरा काल समाप्त हो गया, महल पहुंचा, खूब लड्डू प्रसाद बांटा, मैं तो अमर हो गया। और इधर प्रद्युम्न जी मछली के पेट में जीवित हैं। संबरासुर महल पहुंचा तो संबरासुर के महल के मछुआरों ने ही उसी मच्छी को पकड़ा जिसके पेट में प्रद्युम्न जी गए हैं, और संबरासुर के महल में ही ला करके उस मच्छ के पेट का भेदन हुआ तो प्रद्युम्न बालक जीवित निकला। मच्छों ने सोचा इसे हम क्या करें, तो संबरासुर के महल में भोजन बनाने वाली एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। मायावती को ही उस बालक को सौंप दिया, तुम्हें इसका लालन पालन करो। मायावती उस बालक का लालन पालन करने लगी। संबरासुर के महल में ही उसी का काल बढ़ रहा है लेकिन उसे भान नहीं है। मायावती लालन पालन तो करती है, लेकिन एक दिन प्रद्युम्न जी ने देखा कि अभी तक मेरा पालन पोषण मातृत्व भाव से कर रही थी, माता के भाव से कर रही थी, लेकिन अब देख रहा हूं कि आते हुए दिनों में इनका भाव परिवर्तित हो रहा है। मातृभावमतिक्रम्य वर्तते कामिनी यथा। प्रश्न कर दिया तुरंत प्रद्युम्न जी ने कि हे देवी, अभी तक तो आप मुझे मातृत्व भाव से पाल रही थी, पोष रही थी, सेवन कर रही थी, लेकिन अब देख रहा हूं मातृभावमतिक्रम्य, मातृत्व भाव को छोड़ करके कामिनी वर्तते यथा। जैसे कोई पत्नी अपने पति की सेवा करे उस भाव से आप मेरी सेवा कर रही हैं, क्या कारण है? तो आज मायावती ने संपूर्ण किस्सा सुनाया प्रद्युम्न जी को कि भवान नारायण सुतः संबरेणाहृतो ग्रहा अहम् ते धिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो। मायावती ने कहा भवान नारायण सुतः, आप हो साक्षात नारायण अंशावतारी, भगवान कृष्ण के सुत यानी पुत्र, आपका अवतार ही संबरेणा हृतो गृहात संबरासुर को मारने के लिए हुआ है। प्रद्युम्न जी बोले मेरे बारे में इतना जानने वाली तुम कौन हो? तो मायावती ने कहा अहम् ते धिकृता पत्नी, अरे मैं आपकी जन्म जन्म की पत्नी हूं, मेरा नाम है रति और आप और कोई नहीं साक्षात कामदेव हो। आप साक्षात कामदेव हो और मैं आपकी पत्नी रति हूं। प्रद्युम्न जी ने कहा अच्छा, ऐसा बता रही हो, क्या इसका कोई प्रमाण है? बोले हाँ, क्या प्रमाण है? बोले जब आपको महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया तो मैं महादेव की चरण शरण में रोती बिलखती पहुंची कि हे भोलेनाथ, अरे मेरे पति देव तो देवताओं के कार्य को साधने के लिए आए थे, उनके कार्य को बनाने के लिए आए थे और आपने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया, अब मैं कैसे रहूं? मैं तो पत्नी हूं, बिना पति के कैसे जीवन यापन करूं? भोलेनाथ को दया आ गई और भोलेनाथ ने कहा देवी, अभी तक तो तुम्हारे पति अनंग रूप में रहेंगे, उनका कोई अंग नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें वरदान और आशीर्वाद देता हूं कि जब यदुवंश में कृष्ण अवतरित होंगे तभी तुम्हारे पति अंग रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। कैसे? कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय तने
कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। अरे अंग रूप में तुम्हारे पति कृष्ण तनय के रूप में आएंगे। जब पूरी संपूर्ण यथा कथा बतलाई रति ने, प्रद्युम्न जी को विश्वास हो गया हाँ सत्य है। और प्रद्युम्न जी ने अपने स्वरूप का ध्यान किया तो स्वरूप में अपने आप को कामदेव ही पाया। और तुरंत क्रोध जग गया प्रद्युम्न जी का कि मातृत्व गर्भ से उत्पन्न होने के 10 दिन के अंतराल में ही तूने मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया, इसलिए हे संबरासुर आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और संबरासुर के महल के मुख्य द्वार पर जाकर के जोर से गर्जना की, बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। संबरासुर डर गया, कौन आ गया मुझसे युद्ध करने वाला। प्रद्युम्न जी ने कहा तेरा काल ही है, जिसे तू समुद्र में फेंक चुका था वही प्रद्युम्न, वही कृष्ण का तनय आज तुझे मारने के लिए आया है। संबरासुर भयभीत तो हुआ लेकिन संपूर्ण सेनाओं को आदेश कर दिया जाओ युद्ध करो। भरपूर सेना युद्ध के लिए तत्पर हुई। प्रद्युम्न जी ने समस्त सेनाओं का संहरण करते हुए अंततो गत्वा अपनी तलवार से संबरासुर का भी कल्याण कर दिया। बोल संबरासुर मर्दन प्रद्युम्न देव की। संबरासुर का कल्याण किया। और अब तो प्रद्युम्न जी धीरे धीरे 16 वर्षीय हो गई। मातृत्व गृहशाला जिसे प्रसूतिका भवन कहा जाता है, जहां मां ने अपने बालक को जन्म दिया, उसी गृह से ठीक 10वें दिन प्रद्युम्न जी गायब हुए थे। संबरासुर लेकर गया था। 10वें दिन प्रद्युम्न जी प्रसूतिका भवन से अंतर्हित हुए थे और आज 16 वर्ष के हो गए तो जा रहे हैं द्वारिका। द्वारिका पहुंच गए, अकेले नहीं, गायब हुए थे अकेले और लेकर जा रहे हैं पत्नी को साथ में। बालक बड़ा हो गया, धर्म पत्नी रति देवी भी साथ में है। पहुंच गए, अब कोई इनको पहचाने ही ना, सब सोचे कि भगवान कृष्ण है, क्योंकि प्रद्युम्न जी भगवान कृष्ण के ही स्वरूप के हैं, ठीक वैसा ही स्वरूप। जैसे भगवान राम और भरत जी में कोई अंतर नहीं देख पाता कि ये भरत जी जा रहे हैं कि राम जी, सब भ्रमित हो जाते हैं, वैसे प्रद्युम्न जी और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं, पिता पुत्र एक समान दिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भरत जी को कोई निहारता है तो मान लेता है कि राम जी हैं, राम जी को निहारता है तो मानो भरत जी हैं। भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही अचानक में कोई देख ले ऐसे कि कौन जा रहा है, पहचान ही न पाए।
वैसे ही प्रद्युम्न जी जाकर खड़े हैं तो सब सोच रहे हैं भगवान ही हैं, सो अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण प्रद्युम्न जी के बगल आकर के खड़े हुए तो सब सोचते हैं कि युगल कृष्ण कैसे दिख रहे हैं, डबल डबल कैसे दिख रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने बताया, ये मैं नहीं, ये मेरा पुत्र है। और जैसे रुक्मिणी जी के कानों में यह बात पड़ी, रुक्मिणी मैया भाव विह्वल हो गई कि मेरा लाला आ गया, मेरा पुत्र आ गया। और प्रद्युम्न जी को रुक्मिणी मैया ने हृदय से लगा लिया। पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए लेकिन माता का प्रेम कभी नहीं कम होता है। पुत्र कितना भी मोटा तगड़ा तंदुरुस्त हो लेकिन माता यही कहेंगी मेरा बेटा कहीं गया था, कमजोर हो गया है। जैसे बुआ जी कहती है हमारा अंकुर थोड़ा कमजोर हो गया है। तो पुत्र चाहे जितना तंदुरुस्त हो, मोटा तगड़ा हो, बढ़िया चेहरा खिला हो, लेकिन माता का भाव जो होता है वो बड़ा ही निर्मल और पवित्र होता है। वो पुत्र के प्रति सदैव ममत्व भाव ही रखती है। 16 वर्षीय प्रद्युम्न जी के प्रति आज भी रुक्मिणी मैया का पुत्रत्व वात्सल्य ममत्व भाव है, हृदय से लगा लिया। और जब ये पता चला कि मेरा पुत्र पत्नी के साथ में आया है तब तो खूब ढोल मंजीरे नगाड़े बजे, अब भव्य विवाह होगा। और विधिवत विवाह सुसंपन्न हुआ प्रद्युम्न जी का। सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान के विवाह के उपरांत प्रथम पुत्र की प्राप्ति। बोले भगवान के और भी विवाह हुए हैं, कितने? 16,108 विवाह। तो 8 विवाह तो अलग अलग गिनाए हैं लेकिन 16,100 विवाह एक ही क्षण में गिना दिए। प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, द्वितीय विवाह कैसे हुआ? बोले एक 17 नाम के राजा हैं जो सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। वैसे तो प्रत्येक सनातनी को सूर्योपासक होना चाहिए। जितने सनातन धर्म में उत्पन्न प्राणी हैं समस्त प्राणी मात्र को सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए, कोई ज्यादा समय लगने वाला नहीं। आप सुबह स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद तिलक चंदन कीजिए और सूर्य भगवान को एक लोटा जल, उसमें कुछ लाल अक्षत लाल पुष्प डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। और यदि विधिवत देना है तो उसका भी क्रम बता दो। ताम्र पात्र में जल, उसमें लाल अक्षत, लाल फूल, लाल रोली, दूर्वा, ये 5 हो गए। जल, अक्षत, पुष्प, रोली, दूर्वा, इन 5 सामग्रियों के साथ सूर्य नारायण भगवान को 3 बार अर्घ देना चाहिए। और जल देने का आज विधिवत विधान बता देता हूं। बहुत लोग लोटा पकड़ेंगे डाल देंगे, लेकिन लोटा पकड़ने की भी एक कला है। इन 3 उंगलियों से ही पात्र को पकड़ना है, ये दोनों उंगली नहीं लगानी है। क्यों महाराज? ये दोनों उंगली लग जाएंगी तो क्या होगा? बोले ये दोनों उंगली लगेगी तो वह जल रक्त के समान हो जाएगा, सूर्य भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। बोले एक आध दिन लोटा गिरेगा 3 उंगली से जब पकड़ेंगे तो, दूसरे तीसरे दिन से अपने आप आ जाएगा क्रम। तो यही 3 उंगलियां, 3 उंगलियों से पात्र को पकड़ करके 3 बार। मंत्र कौन सा रहेगा? एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहाणार्घं दिवाकरः। ये जो कथा चल रही है YouTube पर, आप सभी लोग इसमें फीड हो जा रहा है, वो आप लोग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। 3 बार अर्घ देना है, सूर्योदय से 1.5 घंटा बाद यदि आप जल देते हैं, यानी 8:30 बजे तक यदि आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं तो 3 अर्घ। और यदि आप 9-10 बजे दे रहे हैं, मानो उठने में विलंब हो गया, या जो 10 बजे उठते हैं सो के, तो ये ना सोचे कि अब हम 10 बजे उठ रहे हैं तो जल ही ना दें, वो भी जल दे सकते हैं, उनको 4 बार देना चाहिए।
एक बार जो होगा अंतिम बार वह प्रायश्चित स्वरूप होगा कि मुझसे विलंब हुआ है। तो बोले महाराज जो 10 बजे सोकर के उठते हैं वो अर्घ दें क्या फायदा होगा? बोले एक फायदा होगा, सूर्य नारायण भगवान को जब आप जल देने लगेंगे तो वो आपकी धीरे धीरे ऐसी मति बना देंगे, ऐसी बुद्धि बना देंगे कि जो आप 10 बजे उठते हो 7 बजे 6 बजे उठने लगोगी, वो उनकी कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। इसलिए यह सूर्य की उपासना का बिल्कुल सरलतम साधन है और प्रत्येक जीव को यह करना चाहिए। सत्राजित भी सूर्य उपासक है और इतनी तगड़ी उपासना किया कि सूर्य नारायण भगवान स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप कोई मुझे चिन्ह दे दीजिए, प्रतीक जो मेरे पास सदैव रहे। सूर्य भगवान ने स्यमंतक मणि प्रदान कर दी सत्राजित को, बहुत सुंदर मणि जो नित्य 8 भार स्वर्ण यानी सोना प्रदान करती है, लेकिन उसकी 2.5 घंटे पूजा हो तब देगा सोना, और जिस दिन पूजन नहीं हुआ तो जिस राज्य में रहेगी वह मणि उस राज्य में अकाल पड़ने लगेगा। कोई भी वस्तु यदि हमें कुछ प्रदान कर रही है तो वह भी कुछ आपसे मांगेगी, मुझसे कुछ लिया जाए तब इनको दिया जाए। 2.5 घंटे नित्य पूजन करने पर वह 8 भार स्वर्ण देगी, ऐसा सूर्य भगवान सत्राजित को वह मणि दे करके चल पड़े। सत्राजित उस मणि को लेकर बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में अपने महल की ओर जा रहा था कि द्वारिकाधीश के कुछ सैनिकों ने देखा, अरे बड़ी चमक रही है यह मणि, दूर तक प्रकाशित है। सैनिकों ने कहा, हे सत्राजित जी, आप यह मणि यदि द्वारिकाधीश के कोष में जमा कर दें तो वहां इसकी अद्भुत शोभा होगी। सत्राजित ने कहा, देखो महाराज, तपस्या हमने की है, पूजा हमने की, फल हमें मिला है, तो आप मांगने के अधिकारी नहीं है, मैं नहीं दूंगा। दो टूक मना कर दिया। समस्त सैनिक तो चले गए, सत्राजित उस मणि को लेकर के घर आया, रात्रि में विश्राम किया और दूसरे दिन प्रातः काल बेला में ही सत्राजित का एक भाई था प्रसेनजित, प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण किया, माला बना करके, और निकल पड़ा शिकार खेलने जंगल की ओर। छोटा भाई है, प्रेम वात्सल्य है, वन में शिकार खेलने के लिए सत्राजित का भाई प्रसेनजित निकल पड़ा। वन में पहुंचा तो देखता है कि तमाम हिंसक जानवर हैं, तमाम हिंसक जीव जंतुओं को देखा तो शिकार करने लगा, और शिकार करते करते एक सिंह ने प्रसेन पर आक्रमण कर दिया, चमचमाती हुई मणि को तोड़ दिया और इतना गहरा आघात किया कि प्रसेन की मृत्यु हो गई। जंगल में ही पड़ा है, गले से मणि लेकर के सिंह क्रीड़ा कर रहा है, बड़ी दूर निकल गया। उसी सिंह को मणि से क्रीड़ा करता हुआ एक भालू ने देखा तो भालू ने सिंह पर आक्रमण कर दिया, उसे मार दिया और मणि लेकर के अपने गुफा में चला गया, अपनी पुत्री को भेंट दे दिया, लो खेलो। और इधर सत्राजित ने देखा कि मेरा भाई लौट करके नहीं आया, क्या हुआ? सूचना मिली कि प्रसेन तो मृत्यु को प्राप्त हो गया लेकिन उसके गले में मणि नहीं है। सत्राजित को शंका हो गई कि द्वारिकाधीश के सैनिकों ने मणि मांगी, मैंने देने से मना कर दिया, सो मेरे भाई को द्वारिकाधीश ने मारकर मणि चोरी कर ली। बचपन की चोरी जाती नहीं, बचपन में माखन मिश्री चुराता था, अब बड़ा हो गया है तो स्वर्णाभूषण चुराने लगा। अपनी पत्नी से सत्राजित ने बात को साझा किया, देवी सुनो तो, मेरे मन में शंका हो रही है कि द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई को मार दिया और मणि ले ली, लेकिन अभी बात पक्की हुई नहीं है, तुम किसी से कहना मत। सत्राजित ने मना भी किया, लेकिन सत्राजित ने मना करने के तत्पश्चात भी देवी जी को वह बात हजम नहीं हुई, जाकर के किसी पड़ोसन से कह ही दिया
और पड़ोसन ने दूसरे पड़ोसन से और करने करने जपन जना। प्रत्येक कान में वह बात पड़ती 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 पूरे द्वारिका में फैल गई और द्वारिकाधीश तक भी पहुंच गई। द्वारिकाधीश भगवान ने कहा देखो तो कुछ किया धरा भी नहीं, आक्षेप ऊपर से लग गया, लेकिन अब इस आक्षेप को हटाना है मुझे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और द्वारिकाधीश भगवान कुछ सैनिकों को लेकर के उसी जंगल में निकल गए जहां पर प्रसेनजीत का मृत देह पड़ा हुआ है। देखते हैं भगवान कि प्रसेन तो मृत्यु को प्राप्त है लेकिन उसके शरीर पर बाघ के चरण चिन्ह हैं। और कुछ दूर और जाकर देखते हैं तो बाघ चलता हुआ गया है, तो चिन्ह बनते चले गए हैं। भगवान उसी चिन्हों पर चलते चले गए तो देखते हैं कि बाघ भी मरा पड़ा है और उसके आसपास भालू के चरण चिन्ह हैं। तो भालू जिधर से गया हुआ है उसी के चरण चिन्ह पर भगवान चलते चले गए, सीधा पहुंचे उसी गुफा में जिस गुफा में वह भालू रह रहा है। वो भालू कौन है? वो भालू जामवंत जी ही है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वही जामवंत जी हैं जिन्होंने भगवान की सहायता की है। समस्त बानर भालुओं के सहित मिलकर के जामवंत जी ने भगवान राम की सहायता की थी। वही जामवंत जी गुफा में निवास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण सैनिकों को बाहर ही छोड़ करके अकेले उस गुफा में प्रवेश किए। अकेले गुफा में प्रवेश किया भगवान ने। जामवंत जी की पुत्री जाम्बवती उसी मणि के साथ क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है, और अचानक भगवान को आया देखकर चौंक गई। कौन आ गया? मुख से चीख निकली, जामवंत जी सो रहे थे जग गए। अरे कौन आ गया गुफा में बिना आदेश के? जामवंत जी जगे और देखे कि एक मनुष्य आकर गुफा में खड़ा हुआ है, मुस्कुरा रहा है। जामवंत जी ने अता पता भी नहीं पूछा, सीधा भिड़ गए और घनघोर मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। एक दो दिन तक युद्ध नहीं चला, पूरे के पूरे 27 दिन तक भगवान कृष्ण और जामवंत जी लड़ते रहे, लेकिन युद्ध का परिणाम नहीं निकला। भगवान ने सोचा कि ऐसे लड़ते लड़ते तो बड़ा समय बीत जाएगा, कुछ किया जाए, और भगवान ने अपनी शक्ति का रंच मात्र प्रयोग करते हुए जामवंत जी को इतनी मार मारी 28वें दिन कि जामवंत जी धूल धूसरित होकर गिर पड़े। एक एक नस ढीली हो गई, हड्डियां शिथिल हो गई, एकदम शरीर में शक्ति ही नहीं बची। जामवंत जी ने कहा बस 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 करो प्रभु, पहचान गए आप कौन हो। बोले कौन हूं? जामवंत जी ने कहा आप ही मेरे राम जी हो। मुझे याद आ गया सब। क्या याद आ गया? भगवान राम जब रावण पर विजय प्राप्ति करके एकांत में उपस्थित हुए तो वानर भालुओं से कहा भैया तुमने हमारी बड़ी सहायता की है, आज तुम सभी कुछ मांगो, मैं देना चाहता हूं। आज मुझे देने की इच्छा हो रही है, तुम सभी जो मांगोगे मैं देने का प्रयास करूंगा। तो सभी वानर भालुओं ने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन जब जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत जी ने कहा हे प्रभु मुझे एक ही वरदान दीजिए, मेरे मन में एक इच्छा अभी भी बनी हुई है। क्या इच्छा? युद्ध करने की इच्छा, लड़ने की इच्छा। अभी मेरे युद्ध कौशल शांत नहीं हुआ है, मुझसे कोई युद्ध करने वाला नहीं मिला। यहां तक कि आपसे कहूं तो रावण भी मेरी बराबरी में नहीं था, इसलिए मैंने उससे भी नहीं युद्ध किया। और जामवंत जी आपको कहीं युद्ध करते दिखाई नहीं देंगे, सहायता करते हुए बुद्धि देते हुए दिखाई देंगे, लेकिन युद्ध तो हमेशा बराबर के लोगों से होता है। जामवंत जी युद्ध ही नहीं किए कभी। तो भगवान ने कहा हाँ ये तो सत्य है कि आपके बल के समान कोई नहीं था, यदि आपकी इच्छा हो तो आइए हमसे ही दो दो हाथ हो जाए। जामवंत जी ने कहा अरे प्रभु आप हमारे मालिक हैं,
मैं आपका सेवक हूं और सेवक मालिक से युद्ध करे, बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा तो ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा मैं द्वापर युग में पूर्ण करूंगा, मैं कृष्ण स्वरूप में आऊंगा, अनजाने में आकर तुमसे युद्ध करूंगा, और जब मैं तुम्हें परास्त कर बैठूं तो समझ जाना कि मैं ही राम हूं। और वही जामवंत जी आज समझ गए, याद आ गया कि मुझे तो परास्त करने वाले साक्षात श्री राम ही हैं। वही कृष्ण रूप में आ गए, चरणों में गिरे, प्रणाम किया, स्तुति की, आसन दिया बैठने के लिए। बोले प्रभु आपका आगमन एक कारण से नहीं होता, कई कारणों से होता है। इदमित्थम कहि जात न सोई, एक कारण से भगवान का अवतरण होता है ऐसा कह पाना बड़ा मुश्किल है। आप किस लिए आए हैं इस गुफा में? भगवान ने कहा दो कारण, एक तो आपको दिए हुए वचन को पूर्ण करना था इसलिए आ गया, और दूसरा मेरे ऊपर आक्षेप लगा हुआ है मणि चोरी का, जो आपकी पुत्री क्रीड़ा कर रही है, यही मणि मुझे दे दियो, ये मणि मुझे दे दीजिए, इसी से मुझे कार्य है, इसी के प्रति मेरे ऊपर आक्षेप लगा है। जामवंत जी ने कहा हे प्रभु आप और कुछ मांग लीजिए, धन संपत्ति मांगिए, मेरा बल मांगिए, मैं दे दूंगा, लेकिन यह मणि नहीं दे सकता। भगवान बोले क्यों? जामवंत जी ने कहा इसलिए क्योंकि यह मणि मैं अपनी पुत्री को दान कर चुका हूं, भेंट कर चुका हूं, और पुत्री को, गुरु को, मान्य को, बहन को, इन सबको दान की हुई वस्तु को कभी दोबारा लेना नहीं जाता, लिया नहीं जाता है। एक तो लिया नहीं जाता, और दान करने के बाद यदि किसी से कह दिया जाए तो दान का फल तत्क्षण समाप्त हो जाता है। जैसे हमने अपनी पुत्री को कुछ दिया, अपनी बहन को कुछ दिया, ब्राह्मण को कुछ दे दिया, गुरु के चरणों में कुछ अर्पित कर दिया, और जगह जगह ये कह रहे हैं कि मैं तो ये देकर आया हूं। कहने मात्र से शास्त्र निर्देश कर रहे हैं उस दान का फल समाप्त हो जाता है, और यदि वही वस्तु दोबारा मांग ली जाए तो प्रतिपरिणाम मिलता है, यानी उल्टा, जो फल मिलना चाहिए था वही आपको पाप मिल जाएगा। इसलिए हे प्रभु मैं अब यह मणि मेरे भाग में नहीं है, मैं नहीं दे सकता। भगवान ने कहा यह तो अजीब झंझट हो गया, कोई उपाय है? जामवंत जी ने कहा एक ही उपाय दिख रहा है, आप मेरी इसी पुत्री से विवाह कर लीजिए, मणि भी आपकी हो जाएगी और पुत्री भी आपकी हो जाएगी, इसी के भाग में है। भगवान ने कहा भाई अब तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, और जंगल में ही मंगल भगवान का द्वितीय विवाह हो गया जाम्बवती जी के साथ में, जामवंत जी की पुत्री। भगवान विवाह करके चले और जाम्बवती जी हाथ में ही मणि ली हुई है, अब ये भगवान की हो गई। भगवान ने कहा हमें दो। द्वारिका पहुंचे भगवान मणि लेकर, सीधा सत्राजित के पास पहुंचे, बोले ये लो तुम्हारी मणि, मेरे ऊपर गलत आक्षेप लगाया था। सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ, बोला प्रभु भूल तो हो गई, क्या करूं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा जाओ तुम्हें क्षमा किया, लेकिन एक काम करो, यह मणि तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाला स्वर्ण मेरे कोष में आएगा। सत्राजित ने कहा अच्छा, तो यदि आपकी यह शर्त है तो मेरी भी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, शर्त नहीं। क्या? सत्राजित ने कहा मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु, मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा, बड़ी सुंदरी है, बड़ी गुणवती है, यदि आप वास्तविक रूप में मुझे क्षमा कर रहे हैं तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरी पुत्री का वरण कर लीजिए, उससे विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा जो भी मेरे शरणागत आ जाता है मैं कभी उसे मना नहीं करता, और भगवान ने यहां तृतीय विवाह सत्यभामा जी से कर लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चतुर्थ विवाह भगवान, अब गिनते रहिएगा,
कि आठ विवाह अलग अलग हैं, इसको गिनने से क्या होगा? याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो इस विवाहों के क्रम को जो भी माताएं प्रातः काल उठते ही जपती हैं, यानी इन आठ नामों को ले लेती हैं, उनका सुहाग सुरक्षित रहता है, पति के चरणों में प्रेम बढ़ता है और पति का प्रेम पत्नी के प्रति अधिक होता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं इन आठ मंगलमय नामों का स्मरण करने से। तो पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा विवाह जाम्बवती जी से, तीसरा विवाह सत्यभामा जी से, और चौथा विवाह कैसे हुआ? बोले भगवान द्वारिका से चले आए दिल्ली इंद्रप्रस्थ। बहुत समय बीत गया था, अर्जुन से नहीं मिले। बोले अर्जुन चलो यमुना जी का दर्शन करते हैं, जब से वृंदावन से आ गया हूं तब से यमुना जी का दर्शन नहीं किया, चलो चलते हैं। भगवान रथ पर बैठे और अर्जुन रथ चला रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अर्जुन रथ पर सवार रहते हैं और भगवान रथ चलाते हैं, लेकिन इस क्रम में भगवान रथ पर सवार हैं और अर्जुन रथ चला रहे हैं, यमुना जी के किनारे किनारे ही चल रहे हैं। भगवान ने देखा कि यमुना के तट पर कोई श्वेत वर्ण वस्त्र धारण की हुई एक स्त्री तपस्या कर रही बैठी है। भगवान ने अर्जुन से कहा जाओ पता करो ये यहां एकांत में बैठकर क्या कर रही है। अर्जुन रथ से उतरे और जाकर के उन देवी से पूछते हैं आप कौन हैं और यहां एकांत में क्या कर रही है। तब वह उत्तर देती है अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमेच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमवस्थिता। उन्होंने उत्तर दिया अहम देवस्य सवितुः, सवितु माने सूर्य, मैं सूर्य नारायण की पुत्री हूं। दुहिता पतिमिच्छति, बोले आप सूर्य की पुत्री हो, नाम क्या है? बोले कालिंदी, यमुना नाम है मेरा। वही यमुना जी स्त्री रूप में तट पर ही बैठी हुई है। बोले क्या करने के लिए यहां बैठी हो? यमुना जी कहती हैं विष्णुं वरेण्यं वरदम्, विष्णु स्वरूपी भगवान कृष्ण का पति रूप में वरण करना चाहती हूं, इसलिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन मुस्कुराए, भगवान की तो विवाह पर विवाह होते जा रहे हैं। पहुंचे, बोले हे प्रभु आपका कुंडली के अनुसार मैं ध्यान लगाकर निरीक्षण कर रहा हूं कि आपका शुक्र बड़ा ही प्रबल है, और जिसका शुक्र ग्रह प्रबल होता है उसका विवाह बड़ा सुंदर होता है, पत्नी बड़ी सुंदर मिलेगी। कन्या की कुंडली में यदि गुरु उच्च का है और अच्छे स्थान पर बैठा है तो गुरु के फल स्वरूप कन्या को सुंदर पति की प्राप्ति होगी, और वर की कुंडली में शुक्र यदि श्रेष्ठ है तो उसे सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी, गुणवती पत्नी। अर्जुन ने कहा प्रभु आपकी कुंडली में तो चमत्कार हो रहा है, चौथा विवाह होने वाला है। भगवान बोले तो ये हमें पति रूप में पाना चाहती हैं तो आ जाने दीजिए। और भगवान ने यमुना तट पर ही यमुना जी से चतुर्थ रूप विवाह किया, यह भगवान का चौथा विवाह यमुना यानी कालिंदी जी से हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर तो भगवान विवाह पर विवाह करते जा रहे हैं और वहां वृंदावन की समस्त गोपियां भगवान का स्मरण कर रही हैं। कहती कहकर गए थे कि आऊंगा परसों, लेकिन बैठे बैठे बीत गई यमुना भी बरस। मोहन से प्रीत लगाई लेकिन वो तो हमें ही छोड़कर चले गए, और सभी गोपियां भगवान का याद करते हुए स्मरण करते हुए कहती हैं कि प्रीत मोहन से की इस भरोसे से की, प्रीत मोहन से की
इस भरोसे से कि चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन
है बेवफा उनसे दिल ना लगा ब्रजवासी श्याम सुंदर का स्मरण करते हैं, लेकिन भगवान तो द्वारिका में है और द्वारिका में भगवान विधिवत विवाह पर विवाह करते चले जा रहे हैं। भगवान का षष्ठम विवाह हुआ, चार ही गिनाए हैं ना, पांचवें पर है अभी, पूछते हैं। पंचम विवाह हुआ कालिंदी मैया से और छठवां विवाह हुआ किससे? सही बता रहे हैं गलत जा रहे हैं? चतुर्थ विवाह हुआ था कालिंदी मैया से। हमने सोचा कोई टोकेगा, लेकिन कोई रोकने वाला ही नहीं मिला। चतुर्थ विवाह, हाँ तो मुख्य परिचित है ना, एक नहीं 16 कथाएं सुन चुके हैं, 8 तो आपने अपने ही सन्निधि में श्रवण किया है। और चतुर्थ विवाह कालिंदी मैया से हुआ, पांचवा विवाह मित्र वृंदाजी से हुआ है, षष्ठम विवाह सत्या देवी से हुआ है। इनका एक नाम नग्नजिति भी है, ये नग्नजित राजा की पुत्री हैं, इसलिए इनका नाम नग्नजिति है, सत्या देवी। ये अयोध्या नग्नजित राजा की पुत्री हैं और उनकी एक घोषणा थी कि जो 7 बलिष्ठ बैलों को एक रस्सी में बंधन कर देगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान आए अयोध्या, यह अनंत घोषणा सुने, भगवान ने 7 बैलों को 7 स्वरूप में बिना किसी के देखे हुए ही बंधन कर दिया और नग्नजित राजा प्रसन्न हो गए, बोले यही मेरी कन्या की योग्य है। और भगवान का षष्ठम विवाह हो गया सत्या देवी से, 7वां विवाह भद्रा देवी से और 8वां विवाह लक्ष्मणा जी से सुसंपन्न हुआ। ये 8 विवाहों का क्रम अलग अलग सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को श्रवण कराया। बोले ये 8 विवाह तो अलग अलग हुए अलग अलग स्थानों पर, लेकिन 16,100 विवाह भगवान के एक ही स्थान पर हुए और ज्यादा समय भी नहीं लगा, कुछ ही क्षण में हो गए। परीक्षित जी चौंके, बोले इतने मंडप बने थे क्या?
बोले ना कोई मंडप नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस तत्क्षण हो गए। बोले ये कथा सुनाई। बोले एक भौमासुर नाम का दैत्य है जिसकी प्रतिज्ञा है 20,000 कन्याएं एकत्रित हो जाएं तभी विवाह करूंगा। 20,000 कन्याओं से एक साथ विवाह, 16,100 की संख्या हो गई। नारद जी के कान में भनक पड़ गई कि भगवान अवतरित हुए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं और उनके रहते हुए पृथ्वी पर अधर्म। जाकर के नारद जी ने द्वारिकाधीश भगवान से सूचना बताई कि भौमासुर नाम का दैत्य 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में बांध कर रखा हुआ है। भगवान क्रोधित हुए। सवहार्यो गरुणारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम ययौ, गरुण पर आरूढ़ हुए भगवान। गरुण पर भगवान आरूढ़ होकर सवहार्यो, अकेले नहीं है भगवान, भारिया के सहित में है। कौन सी भारिया? सत्यभामा जी के सहित। भगवान जान रहे हैं कि वहां जाकर अनेक विवाह होंगे, इसलिए एक पत्नी को साथ लिए रहूं ताकि आकर के झगड़ा न होने पाए। तो भगवान सत्यभामा जी को साथ में लिए गरुण पर सवार हुए, उड़ गए और सीधा पहुंचे प्राग ज्योतिषपुर। बहुत बड़ा पुर बनाया है भौमासुर ने और उस पुर का रक्षक बनाया है मुर नामक दैत्य, जिसके 5 मुख हैं, 5 फण। भगवान पहुंचते ही सबसे पहले मुर दैत्य का संहार करते हैं। भगवान का नाम पड़ता है मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। मुर नामक दैत्य के अरि यानी शत्रु बने भगवान, इसलिए नाम पड़ गया मुरारी। अंदर प्रवेश किए, भौमासुर विशाल सैन्य शक्ति के साथ भगवान से लड़ने आया। संपूर्ण शक्तियों को पराजित करते हुए भगवान ने भौमासुर के किले पर विजय पताका फहराई। किले को ही जीत लिया भगवान ने और सबसे पहले जाकर के उन कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त कराया। सब कन्याएं प्रफुल्लित हो गई, भगवान की स्तुति की। और भगवान की स्तुति करने के उपरांत भगवान ने कहा अब आप अपने अपने घर जाइए, आप मुक्त हैं। कन्याओं ने कहा हे प्रभु अब हम कहाँ जाएं? घर जाएंगे तो सब यही पूछेंगे इतने दिनों तक कहाँ रही, और कौन ऐसा वर होगा जो हमसे विवाह करने के लिए आगे आएगा? अब तो विवाह भी नहीं होगा, इसलिए आपने इस नरक से तो छुटकारा दिला दिया है, लेकिन अब हम अपने प्राण समाप्त कर देंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, यदि हमने तुम्हें मुक्त कराया है तो हम ही तुम्हें शरण भी देंगे। और भगवान ने समस्त 16,100 कन्याओं का संकल्प रूप में एक ही क्षण में पाणिग्रहण ग्रहण कर लिया। तुम सभी हमारी पत्नी बनोगी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। 16,100 कन्याओं का पाणिग्रहण ग्रहण किया भगवान ने। सबको लेकर के द्वारिका पहुंचे और द्वारिकापुरी में महलों की संख्या और बढ़ाई गई, क्योंकि एक ही महल में सब थोड़ो रहेंगे, सबके लिए अलग अलग महल बनवाए हैं भगवान ने। 16,108 पत्नियां और सबके लिए अलग अलग महल, सोचिए कितनी बड़ी द्वारिकापुरी रही होगी। सबके लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था, और भगवान सबके कक्ष में विभिन्न रूपों में परिणित होकर निवास करते हैं। एक दिन नारद जी गए देखने कि यहाँ एक पत्नी के साथ रहने में बड़ा झंझट हो जाता है, भगवान 16,108 पत्नियों के साथ में पति धर्म का निर्वहन कैसे कर पाते हैं। नारद जी पहुंचे तो देखते हैं कि भगवान एक ही कक्ष नहीं, प्रत्येक कक्ष में एक एक स्वरूप में बैठे हैं, और प्रत्येक पत्नी यही सोच रही कि हमारे पति देव केवल हमारे ही पास हैं और कहीं नहीं। नारद जी देखकर चौंक गए, भगवान आपकी लीला तो अपार है, अद्भुत है। सुखदेव भगवान कहते हैं और सुनो,
108 पत्नियां तो हैं, लेकिन इनसे पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां, 16108 गुणे 11 बराबर हजारों की संख्या, और ज्यादा जोड़ लीजिए कि लाखों की संख्या हो गई। ये तो जाकर के घर पे गणित कर लेना कि कितनी संख्या हुई है। इतनी विशाल संख्या और 12वें स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान का पूरा कुल 56 करोड़ का हो गया। 56 करोड़ प्राणी है यदुवंश में, और एक से एक बलिष्ठ पुत्र है भगवान के, पुत्र पौत्र प्रपौत्र प्रपौत्र सब भगवान ने देखे अपने ही आगे। और भगवान कृष्ण मात्र 125 वर्ष तक ही धराधाम पर रहे, ये मत सोचिएगा कि कई हजार वर्ष तक रहे। 125 वर्ष ही भगवान ने इस धराधाम पर व्यतीत किया, और 125 वर्ष में ही ऐसा अनुपम इतिहास, ऐसा अनुपम ग्रंथ भगवान ने वर्णित कराया है कि जो पूरे जगत को आप्लावित करने वाला है। आज जहां देखिए वहीं भागवत की कथा हो रही है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण साक्षात प्रत्यक्ष रूप में भागवत ग्रंथ के प्रत्येक श्लोक में समाहित हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि, भागवत ग्रंथ ही साक्षात भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। जैसे एक बालुकाकार विग्रह होता है, आप बालू से किसी मूर्ति को तैयार कर दीजिए, एक रेणुकाकार विग्रह होता है, आप मिट्टी से किसी विग्रह को तैयार कर दीजिए, एक स्वर्णाकार विग्रह होता है, आप स्वर्ण से किसी धातु किसी चीज मूर्ति को तैयार कर दीजिए, वैसे ही यह शब्दाकार विग्रह है। भगवान इसमें शब्द रूप में विद्यमान है। जो व्यासपीठ से एक एक शब्द निकलता है वो सब भगवदमय है। इसीलिए व्यासो नारायण स्वयं, व्यास साक्षात उस समय नारायण का स्वरूप होता है, क्योंकि उसके मुख से जो निकलता है वो स्वयं नहीं बोलता, साक्षात भगवान ही बुलवाते हैं। और व्यास ये सोचने लगे कि मैं बोल रहा हूं तो भगवान को बस एक तार ढील करने की जरूरत है, एक तार ढीला किए कि वो शब्द शब्द शैली बिखर जाएगी इधर उधर, क्या बोलेगा उसको खुद नहीं पता होगा। इसलिए यहां बैठने के बाद अपना बल नहीं रह जाता, यहां बैठने के बाद तो साक्षात ईश्वर ही कृपा करते हैं, वही बुलवाते हैं। आपके भीतर बैठकर सुनते भी वही हैं, हमारे भीतर बैठकर बोलते भी वही हैं, कर्ता भी वही हैं, भोक्ता भी वही हैं। आपने द्वितीय दिवस की कथा में श्रवण किया, जब भगवान नारायण दक्ष यज्ञ में प्रकट हुए तो सबने स्तुति की, तुम क्रतुस्तम हविस्तम होतासह स्वयं तुम ही मंत्र समिद्दर्भे पात्राणि च, आप ही यज्ञ हो, आप ही यज्ञ करता हो, आप ही यज्ञा होती हो, आप ही होता हो, सब कुछ आप ही हो, क्योंकि सबके अंतःकरण में परमात्मा विद्यमान है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जयकारा, बड़ा कमजोर लग रहा है, क्या बात है आज? अरे तो आज तो विश्राम दिवस है, तब कहे को जयकारा में कमी आ रही है। कहीं कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि चलो आ जाए, आज बचा है, चलो ठीक है, है? ऐसे एक जगह कथा चल रही थी तो एक बुढ़िया माई कथा सुनने जाए और जाते ही रोने लगे। व्यास जी सोचे कि मैं कथा इतनी अच्छी कर रहा हूं कि बुढ़िया आज ही रो रही है। जैसे ही जाए रोना शुरू कर दे, 2-3 दिन बीता तो व्यास जी ने सोचा कि इनसे पूछता हूं क्यों रोती है, और जैसे ही मंच से उतरे तैसे वो गायब। अंतिम दिवस की कथा पहुंची, उन्होंने कहा कि आज तो इनको पकड़ूंगा, पूछूंगा क्यों रोती हो कथा में। जैसे कथा पूरी हुई, व्यास जी ने मसनद उठाया और किनारे फेंका, पंडित जी के बगल से कूद गए बुढ़िया जी से मिलने के लिए। आगे से ही जाकर खड़े हो गए, बोले रुको मैया,
ये बात बताओ, कथा में क्यों रोती हो इतना आकर के? क्या मेरी कथा इतनी अच्छी लगती है कि भाव में चली जाती हो? बूढ़ी मैया ने कहा, नहीं नहीं व्यास जी, भाव में नहीं चली जाती मैं, मुझे तो किसी की याद आती है तो आकर के रोने लगती हूँ। किसकी याद आती है? बोले, पहले ही दिन से देख रही हूँ कि आप जिस प्रकार से कथा वाचन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मेरे घर में एक गैया थी, उसने एक बछड़े को जन्म दिया था, और जिस दिन से वह जन्मा तब से वह चिल्लाता ही रहा, और चिल्लाते चिल्लाते ठीक सातवें दिन मर गया। तो मैं यही सोच रही थी कि आप भी पहले ही दिन से चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, कहीं सातवें दिन आपका भी काम। इसीलिए मैं बैठ करके रोया करती थी। व्यास जी ने माथा पकड़ा कि अरे राम राम, ऐसी भी सोच वाली हैं? तो कहीं इसी में से कोई बैठा तो नहीं सोच रहा है कि आज सातवां दिन है, आज तो विदाई है? तो ऐसा मत सोचिएगा, कृपा करके प्रेम से जयकारा लगाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कभी कभी हो जाता है ऐसा, भगवान के विवाहों का अनुपम कथानक गान किया, और भगवान यही नहीं कि विवाह किए, पुत्रोत्पत्ति किए, तो ऐसे ही पुत्रोत्पत्ति करने के उपरांत उन समस्त पुत्रों को, पौत्रों को उचित शिक्षा प्रदान करते हैं भगवान कि तुम्हारा आचरण कैसा होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तुम्हारे संस्कार कैसे होने चाहिए, इसका भगवान ठीक ठीक ढंग से अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं। जो कि आजकल ये विधाएं बंद हो चुकी हैं, बस जाओ स्कूल पढ़ो, पढ़ के चले आओ। तो स्कूल तो आजकल के वैसे ही, जहां पर कि आचरण व्यवहार संस्कार की शिक्षाएं बड़ी कम ही विद्यालयों में मिल रही हैं। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पर प्रातःकाल उठने से लेकर सायंकाल सोने तक क्या क्या कर्म करने चाहिए उन सभी को बतलाया जाता था, और सब करते भी थे। लेकिन आज तो इतनी मोटी मोटी किताबें हो गई हैं कि उनको पढ़ते पढ़ते ही बच्चे की खोपड़ी घूम जाती है, काम ही नहीं पूरा कर पाते बच्चे। तो आचरण व्यवहार संस्कार कहां से बतलाए जाएंगे? मास्टर साहब सोचते हैं मेरा कोर्स ही नहीं पूरा हो रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ाऊं, तो ज्ञान की चर्चाएं कहां से होंगी? बोले, इसीलिए हम सभी लोग निवेदन करते हैं, और अधिकतर निवेदन वैदिक सनातन धर्म के कथावाचक संत महात्मा ये करते हैं कि प्रत्येक कक्षाओं में धार्मिक ग्रंथों का एक पाठ अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे भगवद गीता का, चाहे श्री रामचरितमानस का, कोई एक पाठ अनिवार्य कर दिया जाए जिससे बच्चे शिक्षित हों। भगवद गीता, रामचरितमानस, यदि कुछ नहीं 10-10 मिनट ही बच्चों को पढ़ाया जाए पाठ्यक्रमानुसार कि यह पाठ्यक्रम अनिवार्य हो गया है, तो ज्यादा विलंब नहीं समस्त सनातन धर्म फिर से पूर्वकालीन समय में वापस आ सकता है, और सब संस्कार से, आचरण से युक्त हो सकते हैं। भगवान भी अवतरित होते हैं तो शिक्षित करते हैं कि कैसे जीवन यापन करना चाहिए। कितने लोग यहां बैठे हुए हैं जो प्रातःकाल उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं? करो तो भैया, सही, चलो बहुत अच्छी बात नहीं, और कोई नहीं, जय जयकार हो आप लोगों को। कम से कम ये तो अपने आप से ही सोचना चाहिए कि वो हमारे माता हैं, पिता हैं, उनके चरणों को छुआ जाए, प्रणाम किया जाए, इसमें क्या जाएगा? आजकल मोबाइल में और वैसे भी बहुत अंग्रेजी के शब्द चल गए हैं। अच्छा, कोई आपको कहे हेलो तो आप क्या उत्तर दोगे? बाय, कोई उत्तर देगा तो आप भी हेलो हाय में ही उत्तर देंगे।
लेकिन यदि पिताजी से प्रणाम करने जाएंगे, आप कहेंगे पिताजी प्रणाम, तो वो ये नहीं कहेंगे प्रणाम, वो कहेंगे खुश रहो, खूब आशीर्वाद है, मंगल कामना है। अंग्रेजी के वर्ड का प्रयोग करोगे गुड मॉर्निंग, तो उधर से भी उत्तर आएगा गुड मॉर्निंग। लेकिन यहां आप प्रयोग करोगे पिताजी पांव छू रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, तो उधर से आशीर्वाद निकलेगा, खुश रहो, खूब कल्याण। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है, संस्कृति है कि हमें प्रति उत्तर में आशीर्वाद मिलता है। आप राधे राधे करोगे तो उधर से जय श्री राधे आपको मिलेगा, आप जय श्री कृष्ण कहोगे तो जय श्री राधे कृष्ण आपको मिलेगा, आप सीताराम कहोगे तो आपको जय श्री सीताराम मिलेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे हमारी संस्कृति बची रहे, हमारा आचरण व्यवहार बना रहे। कथाओं से शिक्षा ही तो मिलती है, यहाँ क्या आप सभी लोगों को पता है, आपको पता है सुदामा चरित्र क्या है, आपको पता है प्रहलाद चरित्र क्या है, आपको पता है ध्रुव चरित्र क्या है, आपने कई बार सुना है। लेकिन इन कथाओं के मध्य मध्य में जो सूक्ष्म ज्ञान है, हमारे लौकिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, इन्हीं को ग्रहण किया जाता है। इन्हीं सब ज्ञान को ग्रहण करके हम जब जीवन में उतारेंगे तभी तो यह कथा सुनना सार्थक होगा। नहीं तो कथा सुन लिए कि ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, चलो खूब है, ध्रुव जी महाराज की जय हो। ये अच्छी बात है, कथाएं सुने, लेकिन उन कथाओं के अंतर भाग से जो भी तत्व प्राप्त हो रहा है, उन तत्वों को ग्रहण करके उसे जीवन में उतार करके उनका अनुसरण करके चला जाएगा तो हमारा जीवन सुदृढ़ होगा, सार्थक होगा, संस्कारित होगा, आचारित होगा। इसलिए कथाओं से, संत महात्माओं के उपदेश से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उसमें से गुण तत्व निकाल लेना चाहिए। कुछ लोगों का काम होता है कि जो वक्ता बोल रहा है उसमें कमी ढूंढी जाए, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वक्ता बोल रहा है उसकी कमियों को दूर करके, उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करके अपने जीवन में उतार लिया जाए, तभी भागवत कथा सुनना सार्थक हो सकता है, तभी भागवत कथा का हमारे जीवन में लाभ प्राप्त होगा। भागवत कथा कहती है कि भाई ईर्ष्या द्वेष पाखंड को कम कर दिया जाए। मैं कभी मंच से ये नहीं कहता हूं कि आप क्रोध मत करो, आप क्रोध कीजिए। काम की अपनी उपयोगिता है, काम समाप्त हो जाएगा तो फिर संसार कैसे चलेगा। अहंकार की उपयोगिता है, आजकल लोग एक शब्द बोलते हैं, बोले मैं अभिमानी नहीं हूं, स्वाभिमानी हूं। अभिमानी नहीं हूं स्वा, तो क्या स्वाभिमान का कोई दूसरा अर्थ होता है क्या? स्वा माने अपना, अभिमान माने अभिमान, अपना ही तो अभिमान है, शब्द वही है। अभिमानी नहीं स्वाभिमानी कहते हैं, तो स्वाभिमान भी अभिमान भी अभिमान ही है, उसमें कोई अंतर विशेष नहीं है। और अभिमान ही जीव को गर्त में ढकेलता है। इसलिए सावधानी पूर्वक यदि हम बैठ करके भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं तो उस भगवत चर्चा का सदुपयोग किया जाए। मैं अधिकतर कथाओं में यही कहता रहता हूं कि कथा से जो गुड़ तत्व आप निकाल करके अपने जीवन में उपयुक्त कर लेंगे, वही कथा आपके जीवन के लिए सार्थक है। भगवान राम भी मानव रूप में अवतरित होकर के हम सबको शिक्षित करते हैं। प्रात काल उठके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावे माथा, आयस मांगे करहिं पुर काजा, देख देखी हरसहि मनु राजा। प्रातः काल उठते ही श्री रघुनंदन जी माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु जी रहते हैं तो प्रणाम करते नहीं, ध्यान कर लेते हैं और नित्य क्रिया से सुसंपन्न होकर के पिताजी से आज्ञा लेते हैं, आज का मेरे लिए क्या कार्य है। और जब चक्रवर्ती जी उस कार्य को निवेदित कर देते हैं कि तुम्हारे लिए अमुक कार्य आज मैंने बनाए हुए हैं, और जब रघुनाथ जी उन कार्यों को
करने लगते हैं बड़े ही सरलता पूर्वक कोमलता पूर्वक, तो देख देख हर्ष ही मनोराजा, देख देख करके चक्रवर्ती जी हर्षित हो जाते हैं कि ऐसे पुत्र को पा करके आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। और जब पिता के अंतर मन में अंतर हृदय में यह भाव जग जाए कि मैं अपने पुत्र से संतुष्ट हूँ, मेरा पुत्र सन्मार्गी है, तो समझ लीजिए आपका पुत्रत्व धन्य हो गया, आप पुत्र बने हैं तो आपका जीवन धन्य है। इसलिए पिता के निर्देश पर उनके कार्यों को करना, माता के निर्देश पर उनके कार्यों को करना, उनके चरणों में अनुनय विनय प्रार्थना करना, ये बहुत आवश्यक है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान शिक्षित कैसे करते हैं। एक दिन समस्त बालक कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे और गेंद पर लात मार दी, वह गेंद जाकर के एक कुआं में गिरी। कुआं में गेंद गिरी, गेंद के नीचे भाग में एक गिरगिट है। बालक तो बालक ही है, डर गए, बहुत बड़ी बड़ा गिरगिट है, उस पर गेंद पड़ी हुई है, अब निकालें तो कैसे। पिताजी के पास गए, भगवान कृष्ण के पास, एक वृक्ष की छाव के नीचे भगवान विश्रामावस्था में है। बालक जाकर कहते हैं पिताजी गेंद निकाल दीजिए, कुआं में गिर गई। भगवान जाकर गेंद को निकालते हैं तो निकालते समय भगवान का अंगूठा उसी गिरगिट से स्पर्श हो जाता है, और जैसे भगवान का अंगूठा छुआ कि वह गिरगिट एक दिव्य भव्य स्वरूप में परिणित होकर मानो राजा ही साक्षात खड़ा हो गया। राजा के स्वरूप में बड़ा सुंदर राजा है, मुकुट को धारण की हुई लंबी चौड़ी भुजाएं हैं, वक्षस्थल लंबा चौड़ा है, केश बिखरे हुए हैं, ऐसा दिव्य राजा खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा आप कौन हैं, तो वह अपना परिचय देता है। अभी मैंने निवेदित किया आचरण व्यवहार संस्कार मर्यादा ये सब हमारे वाक्य पर है, हमारा वाक्य निकलते ही अगला व्यक्ति जान लेता है यह किस विचार का व्यक्ति है। ये तो बड़ी आगे की बात हो गई, लेकिन कुछ लोग तो इतने अनुभवी होते हैं बता देंगे कि अरे मैं तो उसको देखते ही समझ गया कि कितना बड़ा आदमी है। कहते नहीं उनका भैया मोहे देखत हम जानिए क्यों कितना अच्छा है, देखते ही कुछ लोग पहचान लेते हैं। भगवान ने पूछा भैया तुम कौन हो, तो अपना परिचय देता है किन्द्रिगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाको तनय प्रभो दानि स्वाख्याय मानेसु यदि ते कर्णम स्पृशम। उसने अपना परिचय दिया नृगो नाम नरेंद्रो हम, आपको नहीं पता मेरा नाम है इंद्रग, नरेंद्र हूं मैं राजा। इक्ष्वाकु तनय, इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, अयोध्याधिपति राजा इक्ष्वाकु का पुत्र। और यदि आपने दानी स्वाख्याय माने सु दानियों के क्रम में नाम सूची सुनी होगी, तो उस दानियों की सूची में सबसे पहला नाम मेरा आता है। भगवान बोले भैया क्या दान करता था, मृग कहता है मैं गायों का दान करता था। भगवान ने कहा गायों का दान करता था तो गिरगिट कैसे बन गया, गायों का दान करने वाला तो गोलोक का अधिकारी होता है। यहां शब्द प्रयोग करना यदि ते कर्णम स्पृशम, भगवान के लिए ते शब्द का प्रयोग नहीं होता है, भगवान के लिए सदैव भवान शब्द का प्रयोग होता है माने आप। लेकिन राजन का वाक्य ही निर्धारित कर बैठा कि उसका स्वभाव कैसा है। भगवान ने कहा गायों का दान करने वाला सदैव गोलोकवासी होता है, गोलोक का अधिकारी होता है, पर तुम गिरगिट कैसे बन गए। अवश्य ही बूढ़ी गायों का दान कर रहा होगा, अनुपयोगी गायों का दान, भार टालने के लिए। आजकल कहीं पूजन पाठ कराओ तो लोग कहेंगे महाराज बहुत गाय घूमती है दान कर दिया जाए, लेकिन वास्तविक गौ दान का नियम क्या है राजा इंद्र का अपने मुख से भी बताएगा।
कि नहीं नहीं सरकार बूढ़ी गायों का दान नहीं करता था, आप सुनिए मैं कैसी गायों का दान करता था। राजा नृत्य कह रहा कि पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रोप्य फुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददा बहा। पयस्वनी अधिक दूध देने वाली, पयस्वनी संस्कृत का शब्द अधिक दूध देने वाली, तरुणी यानी नव युवती गाय, बूढ़ी टेढ़ी नहीं, बिल्कुल नव यौवन संपन्न गाय, सील रूपा सीधी साधी गाय, जिसमें गायों की सील विद्यमान हो, सील माने स्वभाव, सील रूपा गुणोपपन्ना परम गुणवती गाय, जिसमें एक भी दुर्गुण न हो, कपिला हेम श्रृंगी उनके सींगों में स्वर्णाभूषण जड़ करके, न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा खुरों में चांदी और स्वर्ण के आभूषणों को जड़ करके, और सवत्सा अकेली गाय नहीं, वत्स सहित बछड़ा या बछिया के सहित, कभी भी गौ दान कीजिए तो वत्स सहित दान कीजिए, कभी भी आप लोगों की इच्छा हो तो शास्त्र कहते हैं सवत्सा गाय का दान करने पर 1000 गायों के दान का फल मिलता है। तो वही इंद्र कह रहा है न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा, वत्स के सहित गाय दान करता था, और दुकूल माला भरणा ददा वह, मैं गाय को बढ़िया सुंदर सजा करके अनेक आभूषणों से चद्दर भी उड़ा करके विधिवत तिलक चंदन पूजन करके फिर दान करता था नियम के अनुसार। तो भगवान ने कहा यदि भैया इतनी गायों का दान विधिवत करते थे तो गिरगिट क्यों बन गए। बोला एक गलती हो गई। क्या? बोले गायों का दान करते हुए भी मेरे मन में अहंकार बना रहा, अहंकार युक्त रहा। एक दिन मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान की, वो ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहे थे, उनके हाथ से गाय छूट गई, दूसरे ब्राह्मण आए, मैंने उनको वही गाय दान कर दी, वो छूट करके मेरी गौशाला में आ गई, और मैंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान की। इधर से वो लेकर जा रहे थे, उधर से पहले वाला ब्राह्मण ढूंढता हुआ आ रहा था, दोनों आपस में टक्कर खा गए। ये गाय मेरी है, राजा ने मुझे दिया है। वो कहता नहीं नहीं ये गाय मेरी है, मुझे राजा ने दिया है। दोनों आपस में भिड़ गए। मुझे बुलाया, राजा को बुलाया जाए, वही निर्णय करेंगे। लेकिन मैं पहुंचा तो मैं अहंकार में भर के बोल बैठा, अरे ब्राह्मणों लड़ते क्यों हो, गाय तो मैंने ही दान की है, चलो कितनी गाय चाहिए मैं दान करता हूं, चलो चलो। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया कि तुम्हें तो निर्णय करना चाहिए था, तुम राजा हो और अभिमान युक्त होकर के स्वरूप बदल रहे हो, इसलिए जाओ गिरगिट ही हो जाओ। श्राप दिया ब्राह्मणों ने, मैं चरणों में लेट गया, क्षमा प्रार्थना मांगी तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि श्राप तो झूठा नहीं होगा, गिरगिट तो बनोगे, लेकिन अनंत गायों के दान का पुण्य फल होगा कि गोलोक स्वामी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अंग संग प्राप्त होगा, उनका दर्शन प्राप्त होगा, यही तुम्हारे गायों के दान करने का पुण्य फल है। भगवान ने तुरंत अपने पुत्रों को इशारा किया, सुन रहे हो, असंख्य गायों का दान करने वाला राजा नृग केवल एक छोटी सी भूल कर बैठा, संत और ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, उसे गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए मैं सदैव सावधान कर रहा हूं कि कभी भी जीवन में संत और ब्राह्मणों का अपमान करना मत, भूल से भी तुमसे ना हो, क्योंकि मैं सबसे बचा सकता हूं, लेकिन जो ब्राह्मण का अपमान करने वाला है, संत ब्राह्मणों के धन का हरण करने वाला है, उसे मैं भी नहीं बचा सकता।
ना हम हाला हलम मन्ने, कोई हलाहल विस्का पान कर ले मैं उसे बचा लूंगा। ना हम हाला हलम मन्ने विषमयस्य प्रतिक्रिया, कोई हलाहल विस्का पान कर ले फिर मैं उसे बचा लूंगा। कोई अग्नि में कूद जाए जल रहा हो उसे मैं बचा लूंगा। कोई डूब रहा हो उसे भी मैं बचा लूंगा। उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित जी को भगवान ने परीक्षित जी को बचा लिया। और दशम स्कंध में तो यह वर्णन भी मिलता है कि मृत प्राय हो चुके थे परीक्षित, फिर भी भगवान ने उन्हें जीवित कर दिया। बोले मैं सबको बचा सकता हूं लेकिन ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम। जिसने ब्राह्मण के धन का, वो धन कैसा है बोले विषम विष के समान है, उस धन का जो भी हरण कर लेता है जबरदस्ती नास्य प्रतिविधिर, वो भी वही नहीं उसका संपूर्ण कुल ही समाप्त हो जाता है। कुलम समूलम दहति स्म पावक, फिर उसे मैं भी नहीं बचा सकता हूं। और भगवान ब्राह्मण और संतों की बड़ाई करते करते यहां तक पहुंच गए, बोले यदि मेरा भी परिकर ब्राह्मण और संत का अपमान कर बैठा तो अन्यथा समय दंड भाक मैं अपने ही हाथों से उसे दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सावधान किया, संस्कारित किया पुत्रों को, और मृगोपाख्यान के माध्यम से भगवान ने समस्त पुत्र और पौत्रों को सावधान कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ओ मेरे बाके बिहारी सवरिया, ओ मेरे कुंज बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, दर्शन हृदय में पाता है। आंख वालों ने तुमको है देखा, आंख वालों ने तुमको है देखा, और कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे कुंज बिहारी
हो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग संसारी लोग मदिरा का पान करके इतने मदमस्त हो जाते हैं कि कहां पड़े मिले उनको ही नहीं पता, किस सड़क के किनारे किस नाले नापदान में उनको नहीं पता। कभी कह रहा है मैं भी पीता हूँ, लेकिन कैसे पीकर के कहां मिलता हूँ ये मैं बता रहा हूँ। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला, 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 जो अंगूरी मदिरा नहीं है, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, हो मेरे कुंज बिहारी सवरिया, मेरे कुंज बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, 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 ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, मतलब हनुमान जी का बल याद दिलाना पड़ेगा तभी जयकारा लगेगा। हनुमंत लाल जी को भी तो याद दिलाना पड़ा था, और किसने याद दिलाया था, किसने याद दिलाया था हनुमान जी को, जामवंत जी ने ना। जामवंत जी कौन है, वृद्ध है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वृद्धों की बड़ी महिमा है सज्जनों। जामवंत जी ने हनुमंत लाल जी को जागृत किया, उपदेश दिया, और जो वृद्ध जामवंत जी का उपदेश प्राप्त करके हनुमंत लाल जी चले हैं, तो पूरे सुंदर कांड में लगभग 60-70% दैत्यों का संहार किए हैं। 60-70% दैत्य सुंदर कांड में ही निपट चुके थे, लेकिन फिर भी उसका नाम सुंदर कांड पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां जितने भी कार्य किए सब सुंदर ही सुंदर थे, कोई गलत कार्य नहीं हुआ। आशय क्या निकला, बोले जब हम वृद्ध का आश्रय ग्रहण करके वृद्ध का उपदेश अपने हृदय में अपने मन में धारण करके चलेंगे तो कार्य में अमंगलता नहीं आएगी, कार्य सदैव मंगल ही मंगल सुसंपन्न होगा, इसलिए वृद्ध का आश्रय ग्रहण कीजिए। वृद्धों की बड़ी महिमा है। एक महिमा मैं आपको सुनाता हूं, लौकिक दृष्टांत है। बैठने की व्यवस्था महेश जी कीजिए, कुछ बिछाइए। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की। एक ट्रेन में सफर कर रहे थे एक बूढ़े बाबा, ट्रेन में सफर कर रहे थे अकेले, माला झोली लिए संत वेश में बैठे राम राम कर रहे थे। संतों का काम क्या है, राम राम करना। संत तो यही कहते हैं हम राम जी की, राम जी हमारे,
हम तो भगवान श्री राम के हैं। संत माला झोली लिए ट्रेन में यात्रा करते हुए जय सिया राम जप कर रहे थे, अचानक उसी ट्रेन में कुछ लड़के चढ़ गए, 10-20 लड़के चढ़े। अब लड़के तो लड़के ही हैं, लड़के का अर्थ ही होता है जो लड़ झगड़ करके ले ले, वही लड़के हैं। चढ़े, पूरा डिब्बा खाली था, केवल वही संत उस डिब्बे में थे, बाकी वो 10-15-20 लड़के चढ़े। अब उनको कहीं कुछ सूझे ना, बोले बहुत बोर हो रहे हैं, कुछ किया जाए। क्या किया जाए, कुछ इसमें है ही नहीं। तो एक ने कहा, एक काम करो, ट्रेन की चैन खींचते हैं। सबने कहा, अरे ट्रेन की चैन खींचोगे फंसोगे, पुलिस वाले आएंगे और मारेंगे भी और पैसा भी लेंगे। बोले ट्रेन का चैन हम खींचेंगे, लगा देंगे वो जो किनारे बैठा हुआ बूढ़ा उसको। बोले ये छटपटाएगा, हमें मजा आएगा। बूढ़े बाबा ने सुना, दोनों हाथ जोड़ा, रे भैया राम राम कर रहा हूं, काहे को हमें फंसा रहे हो, आराम से राम की मस्ती में हो और तुम मुझे ही फंसाने के लिए जुटे हुए हो। बोले देखो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे गिड़गिड़ाएगा और मजा आएगा। अब बोले कि अगर मान लो हम ही फंस गए तो 500 रुपये है चैन खींचने का जुर्माना, देगा कौन। बोले अरे 20 लोग हैं, 10-10, 20-20, 50-50 रुपए सब मिला लो, जेब में रखे रहो, और जब मान लो फंस जाएंगे, वैसे तो फंसना है नहीं, बूढ़े बाबा को ही फंसना है, जब फंसेंगे तो दे देंगे। अब किसी ने 10 दिया, किसी ने 20, किसी ने 50। बूढ़े बाबा देख रहे हैं कि ये सब करना क्या चाहते हैं, और एक बच्चे की जेब में रख दिया वो पैसा ऊपर वाली जेब में। बोले अब खींचो चैन, चैन खींची, गाड़ी रुक गई और ऐसी जगह रुकी जहां पर पुलिस वाले पहले से ही खड़े थे। तुरंत डिब्बे में चढ़ गए, किसने चैन खींची, किसने खींची, सब लड़कों ने एक तरफ से ही उंगली उठाई, बूढ़े बाबा। बूढ़े बाबा ने कहा अब तो ये फंसा बैठे हैं। पुलिस वालों ने डांट लगाई, शर्म नहीं आती, इतने बूढ़े हो गए हो चैन खींचते हो। बूढ़े बाबा ने कहा क्या क्यों ना खींची, अरे हमें तो बचना था इसलिए हमने चैन खींच लिया। बोली यदि मना करूंगा कि हमने नहीं खींचा है तो मानेंगे है नहीं। युक्ति सूझ गई, राम जी ने कृपा कर दी। बोले क्यों ना खींचे, मेरे पास जितना पैसा रखा हुआ था ये लड़के सब छीन रहे थे, मैंने चैन खींच दिया। बोले अच्छा, कितना पैसा था तुम्हारे पास। बोले 500 रुपये था पूरमपुर, इतना 10 की नोट थी, इतना 20 की, सब देख रहे थे बैठकर कौन 10-20 दे रहा। बोले इतनी 10 की नोट, इतनी 20 की, इतनी 50 की, और उस लड़की की ऊपर वाली जेब में रखा हुआ है सरकार। अब जब देखा, पुलिस वालों ने चेक किया ऊपर वाली जेब में 50 रुपये, 500 रुपये निकाल कर गिना तो वही वही नोट निकला, बूढ़े बाबा को दे दिया। लो बाबा बहुत सुंदर कार्य किया आपने, आप जैसे वृद्ध का कार्य देखकर आज मुझे तो बहुत आनंद मिल रहा है, इनको सबको पकड़ो। पुलिस वालों को इशारा किया, सब बच्चे पकड़ गए और पकड़ कर लेकर के जाने लगे तो बूढ़े बाबा खिड़की के बगल ही बैठे थे, बच्चे घोर घोर करके देखे तो बाबा ने कहा घोरते क्या हो, ये दाढ़ी ऐसे ही नहीं सफेद कर ली, तुम्हारे जैसे कितने चले गए। वृद्ध की महिमा है ये कि उनके पास ऐसी ऐसी युक्तियां हैं। एक युक्ति की कथा और है, एक लड़का लड़की का विवाह पसंद से हो रहा था लेकिन माता पिता नहीं संतुष्ट थे। पिता ने कहा विवाह तभी होगा जब मेरी एक शर्त मानी जाएगी। कौन सी शर्त, विवाह में कोई बूढ़ा व्यक्ति ना आए, बारात में, बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति ना आए, और वहां आने के बाद एक शर्त मेरी छोटी सी रहेगी, उसको पूरा करना पड़ेगा। लड़के ने कहा तो विवाह में बूढ़े की क्या जरूरत है, हम लोग आएंगे, सब लड़के ही रहेंगे जवान। बारात निकली, चल पड़ी तो जो लड़के का दूल्हे का नाना था उसने कहा नाना हम तो जरूर चलेंगे। दूल्हे ने कहा नाना यदि आप चलोगे तो विवाह नहीं होगा,
बोले मैं तो चलूंगा चाहे जिस प्रकार से ले चलो। दूल्हे ने कहा तो नाना को डिक्की में बंद कर दो, उसी में लेकर चलो, कोई देख ना पाए। नाना जी को डिक्की में बंद किया गया। बारात निकली, पहुंच गई जनवासे में सीधा। जनवासे में बारात पहुंची, लड़की के पिता ने कहा पहले चेक किया जाए कि बारात में कोई बूढ़ा है तो नहीं। चेक किया गया तो डिक्की कौन खोल के चेक करेगा, सब गाड़ियों को चेक किया गया, कोई बूढ़ा नहीं। बोले कोई बूढ़ा नहीं है। बोले हाँ, अब मेरी शर्त जो मैंने पहले कहा था। क्या शर्त है? दूल्हे से बोले कि एक शर्त यही मेरी पूरी कर दो, विवाह कर दो। क्या शर्त है? बोले जो मेरे घर के बगल से नदी निकल रही है, इस नदी में जितना जल है, इस जल की जगह पर शुद्ध दूध बहना चाहिए, विवाह हो जाएगा। अब सब बच्चे जो थे लड़के, सब अपना अपना माथा पकड़े, कोई बाल खुजला रहा है, कोई हाथ खुजला रहा है, इतना दूध आएगा कहाँ से, वो भी शुद्ध। एक लीटर लो तो उसमें तो मिलावट ही रहती है, ये शुद्ध दूध इतना आएगा कहाँ, ये हजार दस बीस पचास हजार क्विंटल टन, इतना दूध कहाँ से। सब बोले असंभव, नहीं हो सकता। तो बोले विवाह भी नहीं हो सकता, जाओ। तो बोले ठीक है, हम जाते हैं। सब पहुंचे अपनी अपनी गाड़ी में बैठे। दूल्हे ने कहा फिर नाना के प्राण काहे को ले रहे, उन्हें भी निकाल कर बैठाओ गद्दी पे, चलें। नाना को निकाला गया। नाना से पूछे, नाना ने पूछा भाई विवाह हो गया? बोले कैसा विवाह, एक शर्त रखी हम पूरी ही नहीं कर पाए तो विवाह कहाँ से होगा। नाना ने कहा क्या शर्त है? दूल्हे ने कहा अरे छोड़ो, जो हम नहीं पूरा कर पाए तो आप क्या बताओगे। नाना ने कहा फिर भी बताओ तो। दूल्हे ने कहा लड़की के पिता ने कहा हुआ है कि मेरे घर के बगल से जो नदी निकल रही है उसमें जल के जगह पर शुद्ध दूध बहना चाहिए। नाना ने कहा बस इतनी छोटी सी बात, छोटी छोटी बातों पर बारातें वापस जाती हैं, रुको। दूल्हे ने कहा नाना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, इतने जल के स्थान पे दूध कहाँ से आएगा। नाना ने कहा मेरे पास है व्यवस्था, जाओ लड़की के पिता से कहकर के आओ, दूध की व्यवस्था यहाँ हो गई है, जल तुम खाली करवा दो, दूध हम बहा देंगे। दूध लड़की के पिताजी के कान में जैसे ये बात पहुंची कि जल खाली करवाओ, दूध तैयार है, उसने कहा तुरंत फिर से बारात को चेक किया जाए, अवश्य ही कोई बूढ़ा आकर के वहां बैठा हुआ है, उसी की युक्ति है। बारात को चेक किया गया, नाना जी निकले। तो वृद्धों की महिमा है, उनके पास अनंत युक्तियां हैं और वो अपनी युक्ति से ही संपूर्ण बिगड़े हुए कार्य को बना दिया करते हैं। एक जगह लगी आग, सब गए भाग, दो ही बचे, एक अंधा और एक लंगड़ा। अंधा तो उधर ही जाए जिधर आग लगी हुई है, और लंगड़ा बेचारा भाग न पाए, वो तो सोच रहा है जलती हुई आ ही रही है, अभी भस्म होना ही है। लंगड़े ने कहा अंधे से भाई उधर मत जाओ, जल जाओगे, एक काम करो मुझे अपने कंधे पर बिठा लो, तुम्हारा पांव और मेरी दृष्टि दोनों बच जाएंगे। दोनों ने वैसा ही किया, पार हो गए। कथा बस इतनी ही है लेकिन तात्पर्य बड़ा गहरा है। क्या बोले? अंधी है युवा अवस्था, अंधी जवानी, और बुढ़ापा लंगड़ा हो गया है, अपंग है, वो नहीं चल सकता, वो कार्य नहीं कर सकता, वो युक्ति बता सकता है। कार्य करने की क्षमता है युवाओं में और युक्ति बताने की क्षमता है वृद्धों में। अंधी जवानी यानी अंधा व्यक्ति जो था वो युवा था, वो चल सकता था, और जो लंगड़ा था वो वृद्धावस्था का प्रतीक था, यानी वृद्धों के युक्ति को ग्रहण करके युवा लोग जब आगे कार्यरत होंगे तो उनको सफलता ही मिलेगी, असफलता कभी हाथ नहीं लग सकती है। इसलिए आज भी वृद्धों की महिमा का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। इसलिए तो हनुमंत लाल जी जब जामवंत जी के वचन को सुनते हैं तो प्रमोदित हो जाते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, जाम
रामवंत के वचन सुहाए, यानी अच्छे लग रहे हैं। सुहाना का मतलब बहुत सुहावना लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जामवंत के वचन यानी जो बोल रहे हैं वो सुहा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और सुने हनुमंत हृदय अति भाए, जब कोई चीज अच्छी लगती है और वो प्राप्त हो जाती है तो बड़ा आनंद होता है। जामवंत जी के वचनों को सुन करके उसे टाल नहीं रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करने के तत्पश्चात जब कार्य करते हैं हनुमंत लाल जी, तो उनको आनंद 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 की अनुभूति होती है। यही वृद्ध के महिमा पर अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजन कृषानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। युवा स्वरूप हनुमंत लाल जी कार्यरत होते हैं, यहाँ वृद्धों की महिमा का बखान किया गया है। इसलिए इन उदाहरणों के माध्यम से यही कहने का तात्पर्य है कि माता पिता गुरुजन जो श्रेष्ठ हैं, जो वृद्ध जन हैं, उनकी आज्ञा का पालन किया जाए, उनकी युक्ति पर चला जाए। आगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को अन्य कथाओं में प्रवेश कराते हैं और अब हम सभी लोग धीरे धीरे सुदामा जी के पावन चरित्र की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने अभी तक अनंत कथाएं सुनाई, बहुत आनंद आया। आपने कई बार भगवान को दीन बंधु नाम से भी पुकारा, लेकिन अभी कोई ऐसी कथा नहीं सुनाई जिसमें भगवान ने किसी दीन पर परिपूर्ण रूप से कृपा की हो, किसी दीनहीन को हृदय से लगाया हो, ऐसी कथा अभी आपने नहीं श्रवण कराई, मुझे सुनना है। तुरंत सुखदेव भगवान को सुदामा जी की याद आ गई। बोले हाँ परीक्षित, सुनो, भगवान ने कैसे एक दीन को अपना मित्र बना करके उसे परिपूर्ण कर दिया। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। आप सभी को सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ का अध्ययन करते हुए आपको सुदामा जी का नाम भी नहीं मिलेगा। जैसे राधा रानी का नाम लुप्त प्राय है, सुखदेव जी नहीं लेते, वैसे सुदामा जी के चरित्र में सुदामा जी का नाम है नहीं। सूक्ष्मता से अवलोकन करेंगे तो विशेषण युक्त में भी सुदामा जी का नाम नहीं है। क्यों? सुखदेव जी सुदामा जी को अति श्रेष्ठ मानते हैं और अपने श्रेष्ठों का नाम जल्दी नहीं लिया जाता है। सुदामा जी को भगवान सुखदेव जी ने सबसे सुंदर विशेषण से अलंकृत किया है। इतने विशेषण तो सुखदेव जी ने किसी के लिए लगाए ही नहीं। बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद्, भगवान का एक सखा है, नाम नहीं ले रहे। कैसे हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही नहीं ब्रह्मवेत्ता है। ब्राह्मण का तात्पर्य होता है ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने में लगा है या ब्रह्म को जान चुका है वह ब्राह्मण है। लेकिन सुदामा जी ब्राह्मण के साथ साथ ब्रह्मवित्तम यानी ब्रह्म को जान चुके हैं, भगवान को जान चुके हैं। इसीलिए तो सदैव कृष्ण स्मरण में रहते हैं, कभी सांसारिक मोह माया में नहीं उलझते। बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुदामा जी परम विरक्त हैं, इंद्रियों से, इंद्रियों के लोभ लालच से सर्वथा परे हैं। इंद्रियों के लोभ से जो सर्वथा परे हो जाए वो साक्षात संत हो जाता है, वो महात्मा हो जाता है। बोले प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः,
सुदामा जी शांत ही नहीं प्रशांत है, परम शांत। और समस्त इंद्रियों के विषयों को जीत करके सुदामा जी परम भक्त शिरोमणि बन चुके हैं। सुखदेव भगवान ने तमाम संबोधन सुदामा जी के विशेषण में लगाए। सुदामा जी को विरक्त बतलाया, भगवान का भक्त बतलाया, ब्रह्मवेत्ता बतलाया, परम शांत बतलाया। लेकिन जब बारी उनकी पत्नी सुशीला की आई तब क्या कहा? बोले दरिद्रासी दमाना सा बेपमानाभिगम्य सा। सुशीला जी को दरिद्रा कह रहे हैं। दरिद्र शब्द कोई गलत शब्द नहीं है। दरिद्र शब्द का अर्थ क्या है आज जानिए। दरिद्रो यस्तु संतुष्ट, जो अपने जीवन में एक भी कार्य से एक भी कर्म से असंतुष्ट है वही दरिद्र है। यानी देखा जाए तो यहां सब लोग उसी प्रवृत्ति में जा रहे हैं। यानी कि कौन ऐसा जीव यहां बैठा हुआ है जो अपने सब कार्य से संतुष्ट है? कोई है? एक जगह कथा में किसी ने हाथ उठाया था, हमने कहा सच में बता रहे हो हृदय से? बोला हाँ। अब पता नहीं उसका वास्तविक अंतरंग भाव क्या रहा, उसने हाथ उठा दिया। लेकिन देखा जाए तो वास्तविकता में कोई ना कोई एकांत दो क्रियाकलापों से अवश्य ही असंतुष्ट है। तो दरिद्र शब्द कोई दूषित शब्द नहीं है। दरिद्रो यस्तु संतुष्टा, जो जीवन में असंतोषी है वही दरिद्र है। बोले सुशीला जी हाँ असंतुष्ट है। किस कारण से? कि बच्चों को भोजन नहीं मिलता, रहने के लिए कोई घर नहीं है, कुटिया है वो भी कई जगह से टूटी फूटी है, बरसात होती है तो जल कुटिया में भर जाता है। कई दिनों से बालकों ने भोजन नहीं प्राप्त किया है। और भोजन की तो बात छोड़िए, अंग पर वस्त्र भी नहीं है पहनने के लिए। सुशीला जी एक दिन बैठी है कुटिया के बाहर ही, तो कुछ संतों की टोली निकल करके बगल से जा रही है। और वर्णन तो यहां तक मिलता है शास्त्रों में कि सुदामा जी के जो पुत्र हैं उनके तन पर वस्त्र नहीं है, पाने के लिए भोजन नहीं है। ठंडियों के समय में सुशीला जी जाकर के वन से लकड़ी बीन कर लाती हैं और उन समस्त लकड़ियों को जला करके राख बनाती हैं। उसी राख से रात्रि में बच्चों के देह को ढकती हैं, ऐसा वर्णन है। और देह को ढक देने के बाद रात्रि में सब शयन करते हैं, किसी तरह प्रातःकाल उठा करके फिर से स्नान करा करके हरि भजन में लगाती हैं, शिक्षा में लगाती हैं। आज सुशीला जी के कानों में एक वाक्य पड़ा। संत आपस में बात करते जा रहे थे कि ये तो वही सुदामा जी की कुटिया है जो सुदामा जी भगवान कृष्ण के परम सखा हैं, और कृष्ण तो वही हैं जो द्वारिकाधीश हैं, समस्त विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके मित्र की यह स्थिति। सुशीला जी ने सुना तो आज पता चला सुशीला जी को कि भगवान कृष्ण के परम सखा हैं, परम मित्र हैं हमारे पति सुदामा। और जाकर के कहती है कि ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षा श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। अरे हमने संत के मुखारविंद से सुना है कि आपके परम मित्र परम सखा द्वारिकाधीश हैं, क्यों नहीं आप उनसे मिलने के लिए जाते हो? बोले क्यों जाएं? बोले इसलिए कि दास्यते द्रविणम भूरी सीत तेति कुटुंबिनः। यदि आप मिलने जाएंगे उनसे तो परम ऐश्वर्यशाली जो ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च हैं, ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, उपासक हैं, ऐसे भगवान कृष्ण आपको भी अधिक धन प्रदान करेंगे। दास्यते द्रविणम भूरी, क्या होगा? सीद तेति कुटुंबिनः, हमारे परिवार का भरण पोषण होगा।
सुदामा जी ने नेत्र नीचे कर लिए कि आज तुमने प्रभु से मिलने के लिए मुझसे कहा, वो भी धन के लोभ में। कन्हैया से मिलने जाऊं और धन की चाह लेकर कभी नहीं जाऊंगा। सुशीला जी समझ गई ये परम विरक्त हैं, इनको दूसरे प्रकार से समझाना पड़ेगा। अरे धन के लिए ही नहीं, आज इतने दिनों के बाद अपने मित्र से मिलने तो चले जाइए। सुदामा जी ने कहा मिलने चला जाऊं, लेकिन मित्र के यहां, गुरु के यहां, पुत्री के यहां, बहन के यहां यदि जाया जाए तो कुछ भेंट लेकर जाई जाती है। मेरे कुटिया में तो कुछ है भी नहीं जो मैं लेकर जाऊं, क्या लेकर के जाऊं। सुशीला जी ने कहा आज आप नहीं, आज मैं भिक्षाटन करूंगी, क्योंकि आपको तो चार दिवस से भिक्षा भी नहीं प्राप्त है, बच्चे भी भूखे हैं। आज सुदामा जी के नेत्र से आंसू गिरे हैं कि मेरी पत्नी भिक्षाटन करने जाए। सुदामा जी रो पड़े, लेकिन सुशीला जी का भी भाव प्रौढ़ है, दृढ़ है कि मेरे पति आज ईश्वर से मिलने अवश्य जाएंगे। और सुशीला निकल पड़ी भिक्षाटन करने, जा करके चार घरों में भिक्षा मांगी है, और क्या मिला है सुनिए। याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला चैल खंडेन पान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। याचित्वा चतुरो मुष्ठीन, चार मुट्ठी चावल मिले हैं, वो भी कैसे हैं, पृथक तंडुलान, अलग अलग टूटे टूटे चावल हैं। पृथक ऐसे चावलों का प्रयोग भोजन में नहीं किया जाता है, जिनको हमारे गांव में सूप से पछोड़ करके निकाल दिया जाता है, ऐसे पृथक तंडुलान अलग अलग टूटे टूटे छोटे छोटे चावलों के कण हैं, चार मुट्ठी ही मिले हैं। और सुशीला जी अंजलि में लेकर आ रही है, वस्त्र भी नहीं, चार मुट्ठी चावल ला करके कुटिया के आसपास ही सुदामा जी की बहुत पुरानी जीर्ण शीर्ण धोती, उसको दो चार परत करके उसी पर चावलों को रख करके बांध दिया और सुदामा जी को दे दिया, यही अपने मित्र को भेंट दीजिएगा। और इस कथानक से हमें एक बहुत सुंदर सूचना प्राप्त हो रही है कि हमारे पास जो है हम वही देने का प्रयास करें, दिखावा करने का प्रयास ना करें। सुदामा जी के पास जो है वही देने का प्रयास कर रहे हैं। सुदामा जी यदि चाहते तो किसी से कुछ धन संपत्ति मांग करके भगवान को कोई और अन्य सुंदर चीज भेंट दे देते, लेकिन सुदामा जी और सुशीला जी यहाँ सूचना दे रहे हैं हम सभी लोगों के लिए कि आपके पास जो है परमात्मा को वही निवेदित करो, भगवान रीझ जाएंगे। इसके अंदर दिखावा नहीं है, इसके अंदर छलावा नहीं है, फिर भगवान आपको इतना देंगे इतना देंगे, उसे रखने के लिए आपके पास जगह नहीं बचेगी। सुशीला जी ने चार मुट्ठी चावल बंधन करके सुदामा जी को दे दिए। सुदामा जी उस चावल की पोटली को दक्षिण भाग में दबा करके चल पड़े, पैर में पदत्राण भी नहीं, कोई खड़ाऊ नहीं है। और सुदामा जी मन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का स्मरण करते हुए चलने लगे। कुछ दूर तक पहुंचे, सुदामा जी सोचने लगे कि एक बार सुशीला से पूछ लूं कि क्या उसका भी कुछ भाव है भगवान को कहने का। लौट आए, आकर सुशीला देवी से पूछते हैं सुदामा जी कि क्या तुम्हारा कोई संदेश है द्वारिकाधीश के प्रति। सुशीला जी ने तुरंत कहा एक ही संदेश, एक माह दो पाख में दो एकादशी होए,
पर मेरे घर गोविंद जी नित एकादशी हो। आपके वैष्णव जन एक महीने में दो एकादशी का व्रत निराहार, कोई आहार नहीं लेते, लेकिन हे गोपाल हमारे घर में तो नित्य मानो एकादशी का ही व्रत है। बच्चे भूखे सो जाते हैं, सा करुण भाव सुशीला मैया ने सुदामा जी से कह दिया और सुदामा जी नेत्र में कृष्ण मिलन की आस लिए, हृदय में प्रभु का नाम जप रूपी दीपक प्रज्वलित करके सुदामा जी आज चल दिए। मार्ग भी कंटका कीर्ण है और नगरी भी बड़ी दूर है, लेकिन सुदामा जी का भाव बड़ा ही दृढ़ है। और सुदामा जी चलते चलते क्या कह रहे हैं कि बांके बिहारी मुझको देना सहारा, रमण बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भाव प्रार्थना कीजिए सुदामा जी भगवान से शीघ्र ही मिले। मेरी कश्ती है तू ही किनारा,
नाम दाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, और सुबह शाम तुझे को मनाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को मनाता रहूं मैं, तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझे को है मुझको देना सहारा, रमण बिहारी मुझको देना सहारा, रमण बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। सुदामा जी महाराज कहां से चले? पोरबंदर से चले हुए, गुजरात पोरबंदर, और कहां के लिए? द्वारिका के लिए, बिल्कुल ठीक 150 से 200 किलोमीटर, और पैदल ही निकले हुए हैं। कंटका कीर्ण मार्ग, कांटे हैं, पत्थर हैं, ऐसे नुकीले पत्थर हैं जो पांव में चुभते हैं। सुदामा जी के हाथ में एक लाठी है टेढ़ी सी, सिर पर पगड़ी है, और तन पर केवल एक ही अंग वस्त्र है, और थोड़ा सा झुके हुए सुदामा जी भगवान से मिलन के लिए निकल पड़े। मार्ग में चलते चलते पांव में कांटे चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, फिर भी सुदामा जी रुक नहीं रहे, क्योंकि हृदय में जो आस है वह है भगवत मिलन की, वह है कृष्ण मिलन की इच्छा जो बड़ी प्रबल है, और भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी निकले हैं। चलते चलते सुदामा जी मूर्छित होकर गिर पड़े, रुके नहीं, स्वयं गिर पड़े। भगवान वहां बैठे सब देख रहे हैं, और भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग साथ। जब भक्त भगवान से मिलन के लिए एक भी कदम बढ़ाता है तो भगवान भक्त की सहायता के लिए 60 कदम चल के चले आते हैं, ऐसा वृंदावन के संत कहते हैं कि भगवान ने भी अपने कदम बढ़ाए। योग माया को आदेश दिया मेरे मित्र को वहां से सीधा ला करके द्वारिकापुरी में स्थापित करो, माया ने वही किया। सुदामा जी मूर्छित हैं, पता भी नहीं चला कब पहुंच गए सीधा द्वारिका, और द्वारिका में पहुंचकर सुदामा जी देखते हैं कि अरे ये लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे महल अटारी दिव्य रूप से। सुदामा जी बहुत चक्के रह गए कि ये भी तो मैं मार्ग में था, ये कब यहां आ गया। समझ गए कछु न कछु कृपा भई है, एक पथिक ही उधर से निकल रहा था। सुदामा जी ने उससे पूछा, भाई ये मैं कहां हूं?
पथिक ने बतलाया आप इस समय द्वारिकापुरी में हैं, द्वारिका में। सुदामा जी प्रफुल्लित हो गए, बोले अच्छा अच्छा वही द्वारिका, मेरे कृष्ण की नगरी। तब तो पथिक उछल पड़ा कि रे आपके मित्र कृष्ण, उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता, उनके नाम में कई संबोधन लगाने पड़ते हैं। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजराजेश्वर सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसा उनका नाम यहाँ पर आदर पूर्वक लिया जाता है, तुम केवल कृष्ण। और मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है कि तुम उनके सखा हो। सुदामा जी ने कहा अरे भाई आप नहीं समझ पाओगे, उनका महल बताओ किधर है, केवल स्थान बता दो बस। सुदामा जी ने स्थान पूछा, पथिक ने स्थान बतला दिया, ठीक सीधे चले जाओ जो सबसे ऊंचा महल है वही हमारे प्रभु का स्थान है। सुदामा जी चल पड़े और सीधा अंतःकरण में प्रवेश कर गए। भागवत के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई द्वारपाल नहीं रोकता सुदामा जी को, क्योंकि भगवान की घोषणा है संत और ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं, उनको सीधा आने दिया जाए मेरे कक्ष तक। नारद जी सीधा जाते हैं भगवान के पास जाकर बैठते हैं, संत ब्राह्मणों के लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन कबीवर श्रेष्ठ श्री नरोत्तम दास जी ने इस कथानक को थोड़ा सा और रोचक बनाया है, और रोचकता प्रदान करते हुए उन्होंने भाव दिया कि सुदामा जी जब द्वार पर पहुंची तो द्वारपालों ने रोका। द्वारपालों ने रोका, भाई कौन हो, कहां से आए हुए हो, क्या काम है? सुदामा जी ने कहा मेरा मित्र है आपका, आपके स्वामी हमारे सखा हैं, मित्र हैं, उन्हें से मिलने आया हूं। द्वारपालों ने ऊपर से नीचे तक देखा, ऐसा तो व्यक्ति आज तक हमने कभी नहीं देखा द्वारिका में, ये तो बड़ा अद्भुत प्राणी है, कौन है आया? बोले रुको रुको, अभी हम पहले अपने महाराज से आज्ञा ले आए कि आपको बुलाना है कि नहीं। एक द्वारपाल गया पूछने, और जाकर के भगवान के सामने खड़ा होकर कहता है कि आज आपके महल के ठीक सामने कोई बड़ा ही विचित्र प्राणी आया हुआ है, जिसकी वेशभूषा ही कुछ अलग कह रही है। भगवान ने कहा कौन है? परिचय दिया, शीश पगान झगा तन में प्रभु जान को आई बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं शामा, द्वार खड़ो दुज दुर बल एक रहो चकि सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जो भगवान को परिचय दिया द्वारपाल ने, तो भगवान अपने सिंहासन पर बैठे थे, कूद पड़े भगवान, पद त्राण पहनना भूल गए, भगवान का पीतांबर नीचे गिरा, जो भगवान उतरे और दौड़ लगा दी भगवान ने कि आज मेरा अभिन्न सखा मेरा मित्र सुदामा आया है। भगवान ने दौड़ लगा दी मिलने के लिए, सात देहली पार करनी है भगवान को, बड़ी लंबी दौड़ है। रुक्मिणी आदि समस्त पटरानियां देख रही हैं कि आज ये किससे मिलने के लिए दौड़ रहे हैं। आज तक भगवान शंकर को भी आते देखा, ब्रह्मा चतुरानंद को आते देखा, इंद्र यम कुबेर दिग्पाल वरुण चंद्र सब सूर्य आदि नवग्रह भी आए हैं दर्शन के लिए, लेकिन भगवान सिंहासन से उठे भी नहीं। ये कौन सा ऐसा पुण्यात्मा आ गया जो भगवान स्वयं दौड़ रहे हैं? और भगवान दौड़ते दौड़ते आधे मार्ग तक पहुंचे ही थे कि इधर सुदामा जी सोचने लगे कि मोहे लगे कि अब मेरो मित्र मोहे बिसर गयो है, लौटने लगे, जाने लगे कि अब चलो। और सुदामा जी लौट रहे हैं
आधी द्वारिका तक पहुंच गए जाते जाते कि अब मेरा मित्र भूल गया चलो। और इधर भगवान तो मिलन के लिए दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए जैसे भगवान मुख्य द्वार पर पहुंचे तो देखते हैं कि सुदामा जी तो हैं नहीं। विकल हो उठे, द्वारपाल से पूछा कहां गया मेरा मित्र। द्वारपाल ने कहा वो तो चले गए। भगवान ने आज नग्न पाव से ही द्वारिका की गलियों में दौड़ लगा दी सुदामा से मिलने के लिए कि मेरा मित्र आज बिना मुझसे मिले जाएगा नहीं। इधर से भगवान दौड़ते जा रहे हैं, उधर से सुदामा जी धीरे धीरे पग से चलते चले जा रहे हैं पोरबंदर की ओर कि भगवान मार्ग में पहुंचकर देखते हैं कि मेरा मित्र जा रहा है। आवाज लगाते हैं सुदामा, और जो सुदामा जी ध्वनि सुनते हैं तो सुदामा जी के कानों में मानो रसायन घुल गया। पीछे मुड़कर देखते हैं तो आज भगवान दोनों भुजा पसार करके सुदामा जी से मिलन के लिए गुहार करते हैं आओ। सुदामा जी से भी नहीं रहा गया, जो सुदामा जी बिल्कुल चलते चलते थक चुके थे वही सुदामा जी दौड़ पड़े भगवान से मिलने के लिए। सुदामा जी और भगवान ने एक दूसरे को वक्षस्थल से वक्षस्थल मिलन करके हृदय से लगा लिया और नेत्रों के आंसुओं से एक दूसरे के पूरे अंग को भिगो दिया। पूरी द्वारिका की नरनारियां, समस्त सैनिक, सेनापति, चतुरंगिणी सेना भी भगवान की इस दिव्य प्रेम को देख रही है बड़े ध्यान से। और भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ करके लेकर के जा रहे हैं। बगल बगल से सब पूरी द्वारिकापुरी निकल कर खड़ी है कि भगवान कर क्या रहे हैं, ये कौन आ गया है। और भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ कर लाकर अपने ही सिंहासन पर बिठा दिए, बैठ गए भगवान नीचे। और सुदामा जी सहमे से सिंहासन के एक कोने पर जाकर के सिमट करके बैठे हुए हैं। इतना भारी वैभवशाली है, मेरे मित्र का वैभव तो अनंत है, कोई बखान ही नहीं है। और सुदामा जी सहमे से एक किनारे बैठे हुए हैं और भगवान सुदामा जी के चरण पर अपना हाथ स्पर्श करते हैं। श्वेत सुकोमल शुभ्र अति कोमल भगवान का करार बिंद, दोनों हाथ जब सुदामा जी के पांव में लगे समस्त देवता भी अचंभित हो गए कि सुदामा ने ऐसे पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा कर्म कर दिया जिससे जगतपति उनके चरणों में बैठ करके उनका चरण दबा रहे हैं। और भगवान जो नीचे चरण के तलवे पर दृष्टि डालते हैं, देख करके भगवान के नेत्र से एक अश्रु बिंदु गिरा सुदामा जी के चरण पर और भगवान ने रुक्मिणी जी को भेज दिया, जाओ जाकर के परात में जल लेकर आओ, आज मुझे अपने मित्र का चरण धुलना है। रुक्मिणी मैया गई जल लाने और इधर भगवान के नेत्र विह्वल हो गए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन बीते। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात सुहात छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। जितने देर में रुक्मिणी मैया परात में जल लेकर के आती उतने ही समय में भगवान ने अपने नेत्र के आंसुओं से सुदामा जी के संपूर्ण चरण को धुल दिया। और जो चरण को धुलते हैं भगवान तो चरण के नीचे लगे हुए कंकड़ पत्थर बिल्कुल श्वेत अवस्था में आ जाते हैं, दिख रहे हैं। सुदामा जी के तलवे रक्तमय हैं, लाल। भगवान एक एक कंकड़ों को, एक एक पत्थरों को निकाल करके अलग रखते हैं और अपने ही पीतांबर से भगवान सुदामा जी के चरण को पोंछते हैं। जिस पीतांबर की
एक झलक पाने के लिए अनंत वर्षों तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कि भगवान नहीं, भगवान किसी ओट में छुपे रहें और उनका पीतांबर ही दिख जाए। उसी पीतांबर से आज भगवान ने सुदामा जी के चरणों की तलवी को पूछ लिया। सुदामा जी के हाथ को पकड़कर सिंहासन से उतार करके दिव्य आसन पर लिटाया। वह दिव्य आसन गाय के दूध के श्वेत झाग के समान बिल्कुल शुभ्र सुकोमल परम सुश्वेत ऐसे आसन पर सुदामा जी को लिटा करके भगवान चरण दबाने लगे। भगवान ने देखा कि जब से मेरो मित्र आयो है बिल्कुल सहमा हुआ है, डरा हुआ है, इससे कुछ हास परिहास करो, नहीं तो ये तो बोलेगा ही नहीं, बड़ा संकोची स्वभाव का है। तो भगवान ने सुदामा जी को हंसाने के लिए कुछ युक्ति की। पहले तो भगवान चरण दबा रहे हैं, चरण दबाते दबाते भगवान ने सुदामा जी से पूर्वकालीन लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया। अरे मित्र, तुम्हें स्मरण है कि हम सभी बाल्यकाल अवस्था में क्या करते थे? सुदामा जी ने कहा हाँ खूब स्मरण है, अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। तो भगवान ने कहा वह बात भी याद होगी तुम्हें, वह बात भी स्मरण में होगा कि जब मेरे भाग का चना तुम खा गए थे, गुरु जी ने भेजा था हम लोगों को समिधा लाने के लिए, भूख लगी थी मुझे भी लेकिन तुम पा रहे थे। सुदामा जी ने कहा हाँ वहां तो थोड़ी सी भूल हो गई थी। अब सुदामा जी थोड़ा मुस्कुराए। सुदामा जी ने कहा तो ये बात तुझे याद है तो मुझे भी एक बात याद है कि गुरुदेव सबसे अधिक स्नेह और प्रेम मुझसे करते थे। क्यों? क्योंकि पढ़ने में हे कृष्ण में तुमसे तीव्र था, तेज था। भगवान ने कहा ये बात तो है मित्र, तुम पढ़ाई में मुझसे भी श्रेष्ठ थे। सोचिए सुदामा जी के बुद्धि कितनी प्रखर थी कि भगवान से भी तेज थी सुदामा जी की बुद्धि पढ़ाई क्षेत्र में। भगवान ने कहा तो एक बात बताओ, बाल्यकाल में तो तुम बिल्कुल बैरागी थे, क्या विवाह किया या नहीं? सुदामा जी ने कहा हाँ विवाह तो हो गया। भगवान ने कहा बुलाया नहीं विवाह में? सुदामा जी ने कहा अरे भैया हमने तो एक किया नहीं बुलाया, तुमने हजारों विवाह किए, एक में ही बुला लिए होते। भगवान ने कहा मित्र क्या बताऊं, विवाह ही इतने चटपट में हुए, किसी को निमंत्रण देना ही नहीं हो पाया, समय नहीं मिल पाया। सुदामा जी ने कहा अच्छा, अब दोनों मित्र बिल्कुल खुल गए, आपस की बातें बाल्यकाल अवस्था की बातें बड़ी लंबे समय तक करते रहे। भगवान ने चरण दबाते दबाते दृष्टिपात किया कि सुदामा जी को चावल की पुटिया दबा रहे हैं। तो भगवान ने कहा ए मित्र, ए पाव दबा रहा हूं, तुम हाथ ये दाहिना इधर उधर क्यों दबा रहे हो? बोले वो चलते चलते हाथ भी दर्द होने लगे हैं। भगवान ने कहा चलते चलते पांव दर्द होते हैं ऐसा मैंने सुना था, लेकिन चलते चलते हाथ दर्द होते हैं पहली बार सुन रहा हूं। तो लाओ अगर तुम्हारे हाथ चलते चलते दर्द कर रहे हो तो दबा दो। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, तू तो बस वहीं तक रहे, इधर मत आ। सुदामा जी चाह रहे हैं कि अब मैं इसे चावल की पोटली ना दूं, क्योंकि इतना बड़ा वैभवशाली, इनको मैं ये टूटे फूटे चावल दूं? सुदामा जी संकुचित हो रहे हैं, लेकिन भगवान ने मार झपट्टा दाहिने हाथ के बगल दबी हुई उस चावल की पोटली को छीन लिया और तुरंत खोल करके एक मुट्ठी चावल भगवान ने मुख में डाला। वही चावल जो पृथक तंडुलान अलग अलग है, अनुपयोगी चावल है। और स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं सुदामा जी जब ला रहे थे उन चावलों को तो वो बंधे बंधे पसीज गए थे और उन चावलों के लड्डू बन गए थे। बोले ऐसे चावलों को भगवान ने प्रेम से पाया है। एक मुट्ठी चावल भगवान ने पाकर कहा एक लोक का वैभव मेरे मित्र को दे दिया जाए। द्वितीय मुट्ठी भी चावल पा लिया, द्वितीयम जगदमादधे, द्वितीय मुट्ठी चावल में दूसरे लोक का वैभव भी मेरे मित्र को मिल जाए। और भगवान की आज्ञा सुमिला,
तीसरा मुट्ठी भी भगवान पाने जा रहे थे कि आकर रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ क्यों पकड़ लिया? कई भाव हैं। बोले प्रेम की अधिकता दिखाई दे रही, प्रेम की अधिकता में चावल पा रहे हो और कहीं पेट खराब हो गया, दिक्कत हमें उठानी पड़ेगी, सेवा हमें करनी पड़ेगी, इसलिए ज्यादा कच्चे चावल मत पाओ। या दूसरा भाव ये रहा हो कि ये जो चावल आप पा रहे हैं ये किसी साधारण जीव के द्वारा लाए हुए नहीं है, अरे जिसके चरण को आपने धुला है वो कोई साधारण जीव नहीं, हो तो परम तपस्वी कोई ऋषि महात्मा है, तो ऋषि महात्मा के द्वारा लाए हुए इस चावल को प्रसाद माना जाए, और प्रसाद को अकेले नहीं पाया जाता, हमें भी दे दीजिए। शायद रुक्मिणी जी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया हो कि आप इसे हमको दीजिए, मैं लक्ष्मी हूँ, मेरे हाथ में आते ही यह प्रसाद अनंत गुना हो जाएगा और पूरे द्वारिका में बटेगा। सो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान ने नहीं पाया। या तीसरा भाव ये रहा हो कि दो मुट्ठी चावल पाकर के दो लोक का वैभव दे दिए हो, एक लोक ही बचा है, क्या तीसरी मुट्ठी फाक करके तीनों लोक का वैभव सुदामा को देकर के स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? तीनों लोक के अधिपति वो हो जाएंगे तो आपको सुदामा ही बनना है, शायद इसलिए रोक दिया हो। अनंत भाव रहे, चावल रुक्मिणी जी ने लिए और सबको प्रसाद बंटा। सुदामा जी भगवान से कहते हैं, मित्र अब मुझे जाने की अनुमति दो। भगवान ने कहा ऐसे कैसे, अभी भोजन होगा, उसके बाद हमारी पत्नियों को आशीर्वाद देना है आपको, फिर जाइए। विधिवत भोजन हुआ, आशीर्वादात्मक क्रम चला। बोले लाइन लगाकर सब खड़ी हो जाओ और सुदामा जी आशीर्वाद देंगे सबको। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, रुक्मिणी मैया ने आकर के प्रणाम किया, बोले अखंड सौभाग्यवती भव। जाम्बोती जी ने प्रणाम किया, चिरंजीवनी भव। सत्यभामा जी ने प्रणाम किया, पुत्रवती भव। सबको आशीर्वाद देते चले जा रहे हैं। 10-20-50 की संख्या पार हुई तो सुदामा जी का मुख दर्द करने लगा। बोले अभी बताओ कितनी संख्या है, और भी 150 है। बोले ना ना बिल्कुल 16108। सुदामा जी ने कहा तब तो फिर मैं यहीं आराम करता रह जाऊंगा। भगवान ने कहा तब तो फिर भाई लड़ाई करवाओगे, कुछ को आशीर्वाद दिए हो कुछ को नहीं दोगे, तब तो फिर दिक्कत होगी हमारे लिए, हमें डांट पड़ेगी। सुदामा जी ने कहा हे कृष्ण एक काम करो, तुम ही आकर के मुझे प्रणाम कर लो, मैं तुम्हें ही आशीर्वाद दे दूं और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा तो सबको लग जाएगा। ये कौन बोल रहा है? ये भारत वर्ष का संत बोल रहा है जो भगवान को भी आशीर्वाद देने का सामर्थ्य रखता है। और सुदामा जी ने आशीर्वाद देने के लिए भगवान को भी निवेदित कर दिया और भगवान ने प्रणाम भी किया। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद देते हुए अब विदाई मांगी। भगवान ने दुराग्रह भी नहीं किया, बोले चलो। सुदामा जी चलने लगे तो सोचने लगे कि सुशीला ने जो कहा था उसे कहूं या ना कहूं, क्योंकि पूछा नहीं अभी इन्होंने। जब दो चार कदम चले तो भगवान रोके, क्योंकि भगवान तो सर्वांतरयामी, सबके हृदय और मन की बात जानते हैं। भगवान ने रोका, भगवान ने कहा हे मित्र ये बताओ कि भाभी जी ने क्या कोई सूचना भेजी है? सुदामा जी प्रसन्न हो गए, ये जान गए हाँ एक ही सूचना है। एक माह दो पाख में दो एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी हो, ऐसा भाव दिया है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले सुदामा जी जाकर के कह देना कि होनी ती सो हो गई, होनी ती सो हो गई, पर अब ना ऐसी हो। और तेरे घर में भाभी जी अब नित्य द्वादशी हो।
अब एकादशी का व्रत नहीं, अब द्वादशी का विधिवत आहारात्मक भोजन होगा। एकादशी को व्रत रहने वाले वैष्णव जन द्वादशी को बढ़िया विधिवत भोजन करते हैं, अब वैसे ही दिव्य भोजन प्रसाद आपके यहाँ भी होगा। सुदामा जी को यह कहा, सुदामा जी भगवान से आदेश लेकर के निकल पड़े। भगवान ने कुछ दूर तक सुदामा जी को विदा किया है और सुदामा जी भगवान के दर्शन से आत्म तुष्टि, देह तुष्टि, बल तुष्टि प्राप्त करके देर न लगी पहुंचे अपनी कुटिया के पास। लेकिन कुटिया के पास पहुंच करके देखते हैं कि यहाँ तो मेरी कुटिया ही नहीं, यहाँ से मेरी कुटिया गायब है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे महल अटारी बने हैं। सुदामा जी को भ्रम हो आया कि कहीं मैं फिर से लौट कर द्वारिका तो नहीं पहुंच गया। घूम करके फिर जाने लगे, भैया भ्रम हो गया, फिर द्वारिका घूम कर चला। लेकिन जैसे मुड़ करके जाने लगे तो आवाज आई, हे स्वामी रुक जाइए। सुदामा जी पीछे मुड़े, देखते हैं कौन आवाज दिया। तो पीछे मुड़ करके देखते हैं सुदामा जी, तो क्या पाते हैं कि सुशीला जी ही बढ़िया दिव्य सुंदर श्रृंगार करके, आरती की थाली सजा करके बढ़िया छमाछम करती हुई चली आ रही हैं। सुदामा जी के ठीक सामने आकर के सुशीला जी खड़ी हुई। सुदामा जी ने कहा, रे ये स्वर्ण आरती थाल, ये सुंदर साड़ी, ये आभूषण, ये कहां से प्राप्त हुए, ये महल कहां से आ गया। सुशीला जी ने कहा, जिनसे आप मिलने गए थे उन्हीं ने कृपा कर दी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी ने कहा, तो देवी आप ही इन महलों में रहो, मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं इन महलों में रहने लगा तो मेरा भजन छूट जाएगा। क्योंकि भजन कब छूटता है, भगवान की विस्मृति कब होती है, जब अपार धन आता है। अपार धन आने लगता है तो मनुष्य की मस्तिष्क बुद्धि धनाशक्ति की ओर चली जाती है, भगवान का भजन औपचारिक रह जाता है, दिखावे मात्र का। संत जन कहते हैं कि जीव की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है। बोले विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति ही। जीव की सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान का विस्मरण। जिस दिन जीव भगवान का विस्मरण कर बैठा उसकी सबसे बड़ी विपत्ति प्रारंभ हो गई। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, बोले संपन्न नारायण स्मृति ही। भगवान का ध्यान, रघुनंदन जी का ध्यान, श्याम सुंदर का स्मरण ही जीव की सबसे बड़ी संपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृतम, भगवान की विस्मृति ही सबसे बड़ा संपत्ति का आपत्तिकारक विपत्तिकारक द्योतक सूचक है। और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी संपत्ति है, इसलिए भगवान को ना भूला जाए चाहे जितनी संपत्ति आए। सुदामा जी ने महल में रहना उचित नहीं समझा, अलग कुटिया ही बनाकर रहे। और सुखदेव भगवान सुदामा जी के इस पावन चरित्र को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे राजन, सुदामा जी के पावन चरित्र को मैंने तुम्हें श्रवण कराकर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया। दीन सुदामा जी के परिवार पर भगवान ने अद्भुत कृपा की। और एक और उदाहरण इससे मिला। कथा की फलश्रुति कहती है कि हमारे जीवन में कितनी भी विपत्ति आए लेकिन कभी भगवान का विस्मरण ना किया जाए। यदि विपत्ति ही भगवान का विस्मरण करा रही है तो समझ लीजिए वह जीव भगवान का भगत नहीं है, वह औपचारिक भगत है। अपने स्वार्थ जब तक है तब तक भजन करो, और जब स्वार्थ पूरा हो गया तो अपने सांसारिक काम में लग जाओ। सुदामा जी का चरित्र, सुदामा जी की कथा बतला रही है कि सदैव कृष्ण स्मरण करते रहा जाए, क्रम न टूटने पाए। तीन तीन चार चार दिनों तक जब भूखे रहे तब भी सुदामा जी भगवान का भजन नहीं छोड़े। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और अब हम सभी लोग सुदामा जी के चरित्र को श्रवण करने के उपरांत सीधा चलते हैं यदुवंश के संहार की ओर। यदुवंश संहार और परीक्षित मोक्ष की कथा अब शेष है। एकादश स्कंद में ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है। भागवत महापुराण का एकादश स्कंद साक्षात ज्ञान स्वरूप है। और भगवान स्वधाम गमन कैसे किए, अब बिल्कुल 10-15 मिनट की कथा और बची हुई है। आप सभी लोग विधिवत ध्यान पूर्वक इस कथानक को श्रवण करें, क्योंकि अंतिम चरण का जो प्रसंग होता है, अंतिम समय की जो कथा होती है या अंतिम समय का जो तत्व होता है वो बहुत ही विशेष होता है। 7 दिनों की कथा को जो पूरे 6 दिनों तक ना सुना हो, 7वें दिन आकर सुन ले तो फलश्रुति उसे ही प्राप्त होगी, उसे परम लाभ प्राप्त होगा। इसलिए बस 10-15 मिनट की और कथा है, इसको विधिवत ध्यान से सुने, क्योंकि यह भगवान के सुधाम गमन की लीला है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्याम सुंदर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक दिन भगवान के द्वारिका में ही कुछ संत चातुर्मास करने आए। चातुर्मास जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं चातुर्मास? हाँ, आप तो जानते हैं। चातुर्मास 4 महीने के भजन का समय होता है, जो संत जन किसी एकांत स्थल में जाकर के उन 4 महीनों में केवल भजन करते हैं और दूसरा कोई काम ही नहीं, इसलिए एकांत ढूंढते हैं। कुछ संत पहुंचे द्वारिका, एकांत स्थल में बैठकर चातुर्मास का संकल्प लेकर के भजन करने लगे। मानो भगवान का ही माया क्रम चल रहा है। कौन कौन से संत हैं? विश्वामित्रो सितो कर्णो दुर्वासा भृगुरंगिर कश्यपो वामदेवो त्रिर्वशिष्ठो नारदादयः। विश्वामित्रो सितः कर्ण, विश्वामित्र जी हैं, असित मुनि हैं, कर्ण ऋषि हैं, दुर्वासा जी हैं, भृगु जी हैं, अंगिरा जी हैं, कश्यप हैं, वामदेव हैं, अंगिरा ऋषि हैं, नारद जी भी हैं। ये समस्त ऋषियों का मंडल पहुंच गया द्वारिका भजन करने के लिए। भगवान ने कहा आप तो भजन कीजिए, चकाचक भोजन भंडारे की व्यवस्था हमारी तरफ से। सब भजन करने लगे तो एक दिन भगवान के पुत्र और पौत्रों ने जाकर के कुछ परिहास किया। भगवान का एक पुत्र है जिसका नाम है सांब, वह जाम्बवती जी का पुत्र है और सबसे सुंदर है। सांब को स्त्री बना दिया, पेट में कुछ कपड़ा वगैरह लगा दिया और बाकी सब भाइयों ने उसे स्त्री बनाकर संतों के सामने खड़ा कर दिया। महाराज ये हमारी भाभी जी हैं, देखो इनको बच्चा में लड़का होगा या लड़की होगी। संत महात्मा सब इधर उधर देखें, कोई आंख नाक कान बंद करे ध्यान लगाए, लेकिन अब वह स्त्री हो तब तो दिखाई दे। दुर्वासा जी समझ गए कि ये सब हास परिहास करने आए हैं। भगवान के कई बार उपदेश करने पर भी यह सुधर नहीं रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा इधर आओ मैं बताता हूं। बुलाया और ध्यान लगाया तो पाया यह तो सांब है। श्राप दे दिया कि ना इसे पुत्र होगा ना पुत्री, इसने जिन वस्त्रों को लपेटा है वही वस्त्र अब लोह का पिंड बनेंगे, लोह का मूसल, और उन्हीं लोह के पिंड से समस्त यदुवंश का विनाश हो जाएगा। श्राप देता हूं। दुर्वासा जी ने घनघोर श्राप दे दिया समस्त यदुवंश के विनाश का। भागे सभी महल पहुंचे तो देखते हैं जिन वस्त्रों को लपेटा था वही वस्त्र लोह का पिंड बन चुके हैं। उन पिंडों को पीस करके
समुद्र में फेंकवाया गया। उग्रसेन जी ने बहुत डांट लगाई, अरे मूर्खों, भगवान सदैव तुम लोगों को समझाया करते थे कि संत ब्राह्मणों का अपराध मत करना, एक क्षण का अपराध समस्त यदुवंश का विनाश। उस लौह के पिंड को पीस पीस करके समुद्र में फेंका तो समुद्र की लहर से वह बढ़ता हुआ आकर किनारे लग गया और एरका नाम की बहुत बड़ी लंबी लंबी पैनी पैनी तलवार के समान घास बन गई। एरका घास कहा जाता है। और जो पीस करके छोटी सी कील बची उसे बीच में फेंका, मछली निकल गई। उस मछली ने उस कील को निगला, जिस मछली को मछुआरे ने पकड़ा है उसी मछुआरे का एक मित्र है जरा नाम का बहेलिया। उस मछुआरे ने जब मछली का भेदन किया तो छोटी सी कील पाई और अद्भुत दिख रही थी, सो उसने अपने जरा नाम के बहेलिए को दे दिया। उस बहेलिए ने उसी कील से एक बाण बनाया है, आगे उसी कील को लगाया है। यही यदुवंश के शाप की भूमिका। और भगवान द्वारिका में बैठे बैठे सब देख रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं अब स्वधाम को जाऊं, अपने लोक को जाऊं, उससे पहले पृथ्वी को भार मुक्त कर दूं, क्योंकि 56 करोड़ यदुवंशी एक से एक बलशाली हैं, कहीं मेरे जाने के बाद यही ना पृथ्वी का भार बन जाए। तो भगवान लीला कर रहे हैं, माया रच रहे हैं। समस्त यदुवंशी एक दिन मदिरा में मदांध हुए और मदिरा में मदांध होकर के एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हुए और मार काट करना प्रारंभ किया। लड़ते लड़ते वहीं समुद्र के किनारे पहुंचे। भगवान ने आकर छुड़ाना चाहा, बलभद्र जी ने भी सहयोग किया, उन्हें भी मारने के लिए दौड़े। बलभद्र जी ने कहा समय पूर्ण हुआ, समुद्र के मध्य में जाकर के अपने स्वरूप का ध्यान किए, अंतर्ध्यान हो गए। और समस्त यदुवंशी लड़ते लड़ते उसी एरका नामक तलवार को नोच नोच करके तोड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी चतुः पंचावशेष का मात्र 4-5 ही बचे, बाकी सब मर गए। समस्त यदुवंशी समाप्त हो गए, 4-5 जो शेष बचे वो भागे महल की ओर। और इधर भगवान प्रभास क्षेत्र पहुंचे। प्रभासक क्षेत्र में भगवान ने अपने बाएं चरण के ऊपर दाहिना चरण रखा, अभय मुद्रा में विश्राम कर रहे हैं। और वही जरा नाम का बहेलिया आया तो भगवान के तलवे को देखता है, स्वर्ण आकृति है, उसने समझा कोई स्वर्णिम पक्षी बैठा, लाओ आज इसका शिकार करें। और बाण छोड़ा तो स्वर्णिम पक्षी तो नहीं था, भगवान के तलवे पर जाकर के लगा हुआ बाण, और भगवान के मुख से एक आह निकली। बहेलिया समझा कुछ गलत हो गया, दौड़ कर आया, देखता है कि द्वारिकाधीश चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना मांगने लगा। भगवान ने कहा मां भैरजरे तुम उत्तिष्ठ काम एस कृतो ही, तुम चिंता मत करो, तुम यहां से जाओ, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब मेरे ही संकल्प के अनुसार हो रहा है, तुम चले जाओ। बहेलिया चला गया और भगवान ने दारुक सारथी से कहा, बगल ही खड़ा था, कि तुम चले जाओ द्वारिका और जाकर के बता दो कि मेरे स्वधाम गमन के उपरांत 7वें दिन द्वारिका पूरी समुद्र में डूब जाएगी, द्वारिका की स्त्रियां सब पलायन कर जाएं, बच्चे जो बचे हैं उन सबको वहां से निकाला जाए। दारुक सारथी पहुंचे द्वारिका में, जाकर के सबसे बतलाया। और भगवान ने अंतिम समय में उद्धव जी को दिव्य ज्ञानोपदेश दिया। और भगवान का जो स्वरूप तेज है वह स्वरूप तेज तच्च भागवते दधा श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर समाहित हो गया। और भगवान का श्री विग्रह तत्क्षण अंतर्धान होकर के सुधाम की ओर प्रस्थान कर गया, कोई देख भी नहीं पाया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की जय हो। भगवान का स्वरूप तेज भागवत में समाहित,
और विग्रह स्वरूप सीधा भगवान वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किए, कोई देख नहीं पाया। भगवान का सुधाम गमन हुआ। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, अब कुछ युगों का वर्णन सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे अन्य बातें बतलाता हूं। द्वादश स्कंद में सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को कलि धर्म का वर्णन श्रवण कराया। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। कलयुग की विचित्र अवस्था जब चरम पर होगी तो उसके बिल्कुल अंतिम चरण में भगवान का अवतार होगा। 4,32,000 वर्ष की कलयुग की आयु में जब 800 वर्ष शेष बचेंगे तब भगवान का इस धराधाम पर कल्कि नाम से अवतार होगा। कहां पर? संभलक ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। मुरादाबाद जनपद में संभल क्षेत्र में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि रूप में अवतरित होंगे। उनका वाहन अश्व होगा, शस्त्र तलवार होगी, और इस बार वस्त्र पीतांबर नहीं श्वेत होगा, श्वेतांबर होंगे भगवान। ये भगवान 800 वर्ष जब कलयुग के शेष रहेंगे, और अभी बीते कितने हैं? 5,123वां वर्ष चल रहा है, यानी कि अभी कुछ भी नहीं बीता है। 4,32,000 वर्ष की आयु में 5,123 वर्ष बीते हुए हैं, और जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब भगवान आएंगे। तब तक कितना अधर्म बढ़ेगा, और समस्त अधर्मियों का विनाश करते हुए भगवान पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। दो क्षत्रिय राजा तपस्या में रत रहेंगे, मरु और देवापि नामक राजा, इन्हीं को उठाएंगे। वहीं से सूर्य वंश और चंद्र वंश चलेगा, ऋषियों के माध्यम से समस्त सृष्टि का विस्तार होगा। बोले ये कलि धर्म का वर्णन है। बोले कलयुग में और आगे क्या होगा? बोले मनमाना विवाह होगा, जिसको जिसने पसंद कर लिया विवाह। दाम्पत्य अभिरुचिम, माता पिता का कोई चलावा नहीं चलने वाला है। दाम्पत्य जीवन अभिरुचि होगा, जहां रुचि हो गई वहीं विवाह। वर्ण व्यवस्था का विधिवत खंडन किया जाएगा, आज हो ही रहा है। जो हमारे शास्त्रों में वर्ण व्यवस्थाओं का संपादन किया है, उन वर्ण व्यवस्थाओं को विधिवत तोड़ा जा रहा है। विप्रत्वय सूत्र में ही ब्राह्मण का धर्म नष्ट होगा, क्षत्रिय अपने धर्म से विचलित होंगे, वैसे शूद्रादिक अपने धर्म से विचलित होकर दूसरों के धर्म का अनुसरण करने लगेंगे। ये समस्त गाथा बतलाई कलयुग धर्म की। बोले कलयुग की आयु 4,32,000, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष की, त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष की, और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष की होगी। आयु की गणना करना बता दूं, कलयुग की आयु याद कर लीजिए, फिर इसी को जोड़ते चले जाइए, अपने आप आयु निकल जाएगी। 4,32,000 का डबल कर दो तो 8,64,000 निकला द्वापर की आयु। अब द्वापर की आयु में पुनः कलयुग की आयु जोड़ दो तो त्रेता निकल आए। त्रेता की जितनी आयु है उसमें पुनः 4,32,000 जोड़ोगे तो सतयुग निकल जाएगा। बोले ऐसे चार युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है, और ऐसी 72 चतुर्युगी जब बीतती है तो एक मनवंतर, और ऐसे 14 मनवंतर जब व्यतीत होते हैं तो एक कल्प बनता है, और प्रत्येक एक कल्प ब्रह्मा जी की एक रात्रि, दो कल्प बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात, ऐसे 100 कल्प बराबर ब्रह्मा जी की आयु है। और सोच लीजिए हम लोग कितने करोड़ अरब खरब नील पद्म बार उत्पत्ति में आते होंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। ये समस्त युगों की आयु की गणना की, समस्त युगों के बारे में बतला दिया भागवत महापुराण के अनुसार, और
सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि अब मैंने तुम्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई, अब मैं जा रहा हूं। तो परीक्षित जी ने सुना कि गुरुदेव कह रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूं, तो रो पड़े कि अब आप जाओगे तो मैं तो मर जाऊंगा। तो ये कहा मैं मर जाऊंगा, सुखदेव जी रुक गए कि अभी भी तुम्हारे अंदर यह विचार है कि तुम मरोगे, यानी मेरा भागवत सुनाना व्यर्थ हुआ। यदि तुम अभी ये सोच रहे हो कि तुम मरोगे तो मैं अंतिम उपदेश कर रहा हूं तुम्हें, इसे ध्यान से सुनो। सुखदेव भगवान का अंतिम उपदेश है परीक्षित के लिए कि तुम इस देह को अपना मान रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो मिट्टी से ही घड़ा बन रहा है, तो घड़ा बनने के बाद उस घड़े में एक घटा कास्ट होता है, घड़े का आकार वो कोई नहीं देख पाता, ना कुम्हार ना हम लोग, हमें केवल घड़ा ही दिखाई देगा। वह घटाकाश जो अंदर बना हुआ है उस घड़े का प्रारूप वो किसी को नहीं दिखेगा। बोले घड़े पर एक डंडा का प्रहार करो फूट जाएगा फिर भी नहीं दिखेगा। घड़ा फूटने के बाद वह घटाकाश आकाश में मिल जाता है, न कुम्हार देख पाता है ना हम देख पाते हैं। उसी प्रकार से यह जो पांच भौतिक देह है, चित जल पावक गगन समीरा, ये पांच तत्वों से जो यह शरीर बना है, यह शरीर यही मिल जाता है। जैसे घड़ा फूटकर मिट्टी में मिल गया, वैसे जल तत्व में, अग्नि तत्व में, वायु तत्व में मिल जाता है। बचा कौन? बोले आत्मा, जो घटाकाश के स्वरूप की है। इस आत्मा को कोई देख पाया है? नात्मा जजान नमरित चितने धिते सौ नक्षीयते सवन विद विचारिणाम है। बोले इस आत्मा को कोई नहीं देख पाया है। बोली यह आत्मा जैसे घटाकाश आकाश में विलीन हो जाता है, वैसे ये आत्मा परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है, तो तुम कहां मरी? जो ये पांच भौतिक देह था वो अपने अपने में चला गया, लेकिन तुम अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी तुम मरे कहां? तुम तो परमात्मा तत्व में चले गए। परीक्षित जी को बोध हो गया और बोले अब एक नहीं हजारों तक्षक आकर के मुझे डसे, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। सुखदेव जी प्रसन्न हुए और जगाम भिक्षु भी साकम नरदेवेन पूजितम, समस्त देवताओं मनुष्यों के द्वारा पूजित होने वाले सुखदेव जी कुछ दूर तक पैदल जाते हैं और देखते ही देखते उनकी छवि अंतर्हित हो जाती है। परीक्षित जी अपने महल की ओर आते हैं, तक्षक नाग छद्म वेश में आकर परीक्षित जी को दसता है, देह तो यही भस्म हो जाती है लेकिन आत्म तत्व परमात्म तत्व में जाकर के विलीन हो जाती है और परीक्षित जी महाराज परम मुक्ति को प्राप्त करके परम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। और परीक्षित जी की इस गति को ब्रह्मा जी ने बड़े ध्यान से देखा और ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनाश्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। बोले जो भी इस भागवत ग्रंथ की कथा को सुनेगा, पठनात् पढ़ेगा, श्रवणात् सुनेगा, उसे किस फल की प्राप्ति होगी? बोले वैकुंठ फलदायकम, उसे मृत्यु उपरांत इधर उधर नहीं भटकना है, उसे वैकुंठ की ही प्राप्ति होगी जो भाव से इस ग्रंथ का श्रवण करेगा। ऐसी अनुपम महिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की, जिसे आप सभी ने भी भाव से श्रवण किया है और भगवान आप सभी के ऊपर अद्भुत कृपामयी छाया की दृष्टि करें, आप सभी लोग भी सुखी रहें आनंदित रहें। और आइए संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के फल की प्राप्ति के लिए हम सभी लोग भागवत के अंतिम श्लोक का एक बार गायन करें। सभी लोग बिल्कुल सावधान होकर के
दोनों हाथ जोड़ करके बैठें और मेरे साथ अंतिम श्लोक का गायन करें ताकि संपूर्ण भागवत की फल की आप सभी को प्राप्ति हो सके। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। राधे रानी सरकार की जय। पारदेश्वर महादेव की जय। जय श्री राधे श्याम। सुखदेव भगवान ने राजर्षि परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई, सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराई और उसी क्रमानुसार भगवत कृपा से भगवत आज्ञा से हमने भी आप सभी लोगों को भागवत की कथा श्रवण कराई। परम आदरणीय गोलोकवासी श्री शिव वरदान तिवारी जी की पुण्य पवित्र स्मृति में, क्योंकि आप सभी लोगों को बताएं कि उनका भाव और विचार आप सभी लोग जानते ही हैं कैसा था, और उन्होंने इस भागवत का संकल्प आज से 3 वर्ष पहले किया था और मुझे आज भी वह समय निश्चित रूप से याद है। 16 नवंबर सन 2021 को यह भागवत की कथा होना सुनिश्चित था, लेकिन दैवीय आपदा कोरोना काल के कारण वह टला और मानो कोप वसात ही उनका देहांत भी हुआ। लेकिन आज वो जहां भी हैं इस भागवत की कथा को सुनकर के अवश्य ही तृप्त हो रहे होंगे और उनके अग्रज आदरणीय शिव मगन तिवारी जी आप सभी लोग जानते ही हैं कि प्रत्येक वर्ष की भांति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण पान करते हैं और आप सभी लोगों को विधिवत ज्ञात है। अब अधिक नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमारा भी कंठ अवरुद्ध होगा, फिर हम भी नहीं बोल पाएंगे। इसलिए वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आइए हम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की मंगलमयी आरती करें। बोलिए परम पूज्य महाराज की। हरे हरे का भजन करूं हरि हमारा, हरि का भजन करूं हरि हमारा, हरि का भजन करूं हरि है हरि के भजन बिना, हरि के
वा मनसो जात्र चक्षु सूर्यो अजायत श्रोता दवाश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत। सभी भगवत प्रेमी अपने उचित स्थान पर खड़े रहे, जो बहुत पीछे हैं वो लोग थोड़ा आगे आ जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को ताप से, पापियों को पाप से, तापियों को ताप से, पापियों को पाप से, तापियों को ताप से, पापियों को पाप से, तापियों को ताप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, प्रभु नाम यही, प्रभु धाम यही, प्रभु नाम यही, प्रभु धाम यही। सज के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरव करुणावतार संसार तारम पुरी प्यार।
सदा वचन मेरे अरविंद भवो भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव बीजा द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम ओ नीलांबुज श्यामल कोमलांग सीता समारोह मुखवा प्रभा पाड़ो महाचारित चारुचा कमलमा विराम प्रभु ओ मनोज मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमता परि माता तुजंबा नरुद्रपुत्र भागवत भगवान की है हरि साधु भागवत भगवान की हरि बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल सभी लोग बैठ जाए अपने स्थान पर, सभी लोग बैठ जाए, मंत्र पुष्पांजलि और इसके बाद आप सभी दिव्य आरती दर्शन और प्रसाद ग्रहण करेंगे। बड़ा ही सुंदर सुअवसर रहा यजमान परिवार का कि भगवान की दिव्य पावन वांगमयी छवि कथा का श्रवण किया। श्री राधे। ओम जगनेन जगनामय जन्त देवासान धर्माण प्रथमान्यासना देहदाकं महिमानः सचक्र यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः हरि ओम लोकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ॐ अञ्जननन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसयेताहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराजमाधिपद्मयम् समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुः शान्तात् परार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदपि श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावतन् गृहे आभिक्षितकामप्रे विश्वे देवासभासदैति ॐ विश्वतक्षुः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरिति विश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतद्या वा भूमे जनयन्देवैकः सेवन्ति कापकुलजं पगपाटलाब्जै पूर्णागजातुकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि च ताकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमन मन सुमन सुगन्धि सुहाय पुष्पाञ्जलि अर्पित करो सर्वदेव करो सुविकार मंत्र पुष्पाञ्जलिं च अर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः महानारायणाय नमः महागोविंदाय नमः महागोवर्धनाय नमः महापार्थेश्वराय नमः तद्गुरुदेवाय नमः
बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। गोवर्धन महाराज की जय। पार्थेश्वर महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। राघवेंद्र सरकार की कनक बिहारी सरकार की जय। हरिओम महारानी की जय। आनंद संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की ज्योतिर्विद भागवत भूषण मानस मर्म श्री उज्ज्वल कृष्ण दात्र जी महाराज की प्रातःमणि अनंत श्री विभूति चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी करपात्र जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की यजमान परिवार की नगर ग्राम बस्ती की अपने अपने गुरु भगवान की अपने अपने माता पिता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या वैदिक सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शान्तिः 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 शान्तिर्भूः सर्वार्षि शान्तिर्भवतु मंगलमूर्तये नमः। श्री राधे प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गोलोकवासी श्री शिव वरदान तिवारी जी की पुण्य स्मृति में आज सुसंपन्न हुई। परम आदरणीय श्री शिव मगन तिवारी जी की परिपूर्ण अध्यक्षता में एवं समस्त परिवारी जनों के सहयोग में बड़े भैया आदरणीय अशोक तिवारी जी,